आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एक कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, भले ही इसके लिए आपको 3 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। भूपेन जी गुड इवनिंग। चलिए सभी एक बार शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। हाँ, इतना यकीन मानिए, वादा है मेरा कि आपके कोई भी एग्जाम है ऐसा ही संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देखी तो, इसका मैं वादा करता हूँ, ठीक। चलिए एसआई से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आपका, वो सभी क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इस वादे के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। एसआई यानी साधारण ब्याज, क्या होगा भाई? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। देखो आजकल रुपए कोई भी देता है और लेता है, रुपए कोई भी देता है और लेता है, इसकी जरूरत हमें दैनिक जीवन में है, सभी भाइयों को जरूरत पड़ती है, ठीक है। चाहे वो रुपए ले रहा हो या किसी से रुपए दे रहा हो किसी को, ठीक है, हर किसी को साधारण ब्याज की जरूरत पड़ती है। साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जब हम किसी को पैसे दिए। सपोज दैट मैंने किसी को पैसे दिए और मैंने किसी को 1 साल के लिए 100 रुपए दिए, 100 रुपए दिए 1 साल के लिए, ठीक है, या 1000 रुपए दिए 1 साल के लिए, और वो 1000 रुपए 1 साल बाद लौट आ रहा है, कितने रुपए लौट आएगा? अगर कोई दर दी होगी, कोई दर दी होगी तो उस हिसाब से लौट आएगा। तो आपको इस पूरे चैप्टर में, कंप्लीट चैप्टर में भाई 2 फॉर्मूले की जरूरत है, केवल 2 फॉर्मूले, और किसी भी किताब से, किसी भी किताब से कोई भी क्वेश्चन उठाइए आपसे कंप्लीट बन जाएगा। यकीन ना हो तो बना के देख लिए आज के, आज के आज ही बना के देखना, केवल 4 से 5 घंटे की क्लास होगी। इस कंप्लीट क्लास में आप इसके बाद फर्क देखेंगे अपने जीवन में, ठीक है। मैं खुद 29 एग्जाम निकाल चुका हूं, तो मैं वो एक्सपीरियंस दूंगा आपको जो आपको सक्सेस होने के लिए, एग्जाम निकालने के लिए काफी होगा मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम निकालने के लिए काफी होगा, चाहे आप आर्मी की तैयारी, एसआई की तैयारी, ठीक है, पीएससी की तैयारी, या फिर एसएससी सीरियल मेंस को छोड़ के किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं ना, आपका पेपर निकलेगा, मैं निकालूंगा। मैथ में मेरी गारंटी है, मैं अपनी गारंटी पे निकालूंगा, ठीक है। इधर देखो एसआई में आपको 2 फॉर्मूले करने हैं। एसआई बराबर पीआरटी अपन 100, पीआरटी अपन 100, ये बच्चे बच्चे को याद है भाई साहब, बच्चे बच्चे को याद है, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला होता है ए बराबर पी प्लस एसआई, पी प्लस एसआई, ठीक है। इधर देखिए मेरे भाई, ये एसआई क्या है, पहले हम छोटी छोटी बातों को जानेंगे, एसआई क्या है यहाँ पे, ठीक है। एसआई को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मतलब अगर मैं 1000 रुपए ये दे रहा हूँ और कुछ ब्याज लौटा रहे हो आप, साधारण ब्याज, ठीक है, वो एसआई है। 1000 रुपए ये दे रहा हूं और आप 1100 रुपए लौटा रहे हो, तो इसमें से इसी देखूंगा तो ये 100 रुपये का अंतर है, 1100 में से अगर 1000 लगाऊंगा तो 100 रुपये का अंतर है, वही 100 रुपये क्या है, ऐसा ही होगा साधारण ब्याज। ये आपको दिया नहीं होगा कि साधारण ब्याज इतना है, ऐसा ही आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पी क्या है यहाँ पे भैया, पी है मूलधन, मूलधन, मूलधन अंतर प्रिंसिपल, मूलधन प्रिंसिपल है, पी को प्रिंसिपल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मूलधन, मतलब जो धन मैंने दिया था, जैसे मैं बात कर रहा था 1000 की, 1000 मैंने दिया था तो ये मूलधन होगा, मूलधन क्या है यहाँ पे 1000, यानी इसी को पी कहते हैं इंग्लिश में, पी यानी प्रिंसिपल कहते हैं मेरे भाई इंग्लिश में, प्रिंसिपल इंग्लिश में कहते हैं, मूलधन हिंदी में कहते हैं। हाँ गुड इवनिंग सभी को भाई, सभी भाई शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर पूछता है आर क्या है, तो रेट कुछ दिया होगा, रेट मतलब कितने रुपये सैकड़ा के हिसाब से। देखो अपन धनवान के पास पैसे देने जाते हैं कि भाई साहब 1000 रुपये दे दो, मैं इतने दिन बाद लौटा दूंगा, 1 साल या 2 साल बाद, कहते हैं ना। देखो दैनिक जीवन में इसका बहुत महत्व है, रुपये लेने में या देने में, ठीक है। और वो धनवान कहता है कि भैया मैं इतने रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लूंगा, इतने रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज लूंगा, तो वही आर है, वही आर है। इतने रुपये दर के हिसाब से, यानी आर क्या है हमें, दर या प्रति सैकड़ा, आर को हम प्रति सैकड़ा कह सकते हैं, प्रति सैकड़ा कह सकते हैं, या फिर दर कह सकते हैं, दर कह सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रति रुपया इतने है, ठीक है, ये कह सकते हैं। आर क्या है, दर यानी रेट, प्रति सैकड़ा, ठीक है, ये सब चीजें। समय क्या है आप सभी जानते हैं, समय साल में हो सकता है, महीने में हो सकता है लौटाने का, या फिर दिन में हो सकता है, कुछ भी हो जाए, समय समय रहता है, क्लियर है यहां तक बात है। देखो ये पहली जो 10 मिनट है ना, इसलिए समझ लिया तो भैया पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, किसी भी किताब से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। यकीन ना हो तो आज ही देख लेना जाके। ये क्या है भाई, ये है मूलधन, ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं, ये को कहते हैं अमाउंट, अमाउंट इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मिश्र धन, मिश्र धन। अब बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ी सी बात, सभी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखो 1000 रुपए दिए थे और 1100 लौटाए थे, 1100 क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, 1100 क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, यानी अमाउंट कितना हो गया 1100, क्योंकि उसने 1 साल बाद या 2 साल बाद 1100 के लौटाए थे, 1000 के 1100 लौटाए थे, तो 1100 क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ये बातें आपको समझनी होगी, हाँ वीडियो को शेयर करें सभी भाई, ठीक है। अब पी क्या है भाई का, भाई साहब यहाँ पे पी अपन ने बताया ऊपर बात की है मूलधन, पी क्या है मूलधन, और ऐसा ही क्या है अपने बात बात की है साधारण ब्याज, ऐसा ही क्या है साधारण ब्याज। तो भैया इतने से फॉर्मुलों की जरूरत है, 2 फॉर्मुलों की जरूरत है आपको, केवल 2 फॉर्मुले,
और जिंदगी भर कभी भी कोई क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, केवल दो फॉर्मूले और जिंदगी भर कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, बस किताब या क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, ठीक है? देख लीजिए, समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं आता? अब मुझे बताइए यहां तक आप समझ पाए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, ठीक है? मैं दोनों फॉर्मूलों को लिख सकता हूं और लिखने के साथ ही मैं इसे बताऊंगा कि चार पांच या दस फॉर्मूले इससे कैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा ही बराबर PRT/100, सभी बताइए P क्या है, R क्या है, T क्या है, जल्दी बताइए P क्या है, R क्या है, T क्या है, टाइप कीजिए, ठीक है? और A बराबर क्या होगा, P+SI, क्लियर है बात? दो फॉर्मूले मैंने बताए हैं, दो फॉर्मूले से तीसरा फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, और आज के आज ही हम पूरा चैप्टर कंप्लीट चैप्टर पढ़ लेंगे, ठीक है? SI वाला, ठीक है? अब मुझे बताइए इससे मैं अगर और निकालना चाहता हूं, देखो P निकालना चाहते हो तो P क्या बन जाएगा, P यहीं पर रहेगा और ये RT को भगा देगा, तो SI और RT नीचे हो जाता है RT, ठीक है? इनटू ये 100 का फॉर्मूला है एसआई के बगल में इस तरह से, लेकिन हमें नहीं करना भैया, ये नहीं करना, हमें दो फॉर्मूले पता है, दो कॉपी है, दो फॉर्मूले पता है, दो कॉपी है हमारे लिए किसी भी किताब से किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है? क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिख लीजिए भाई, क्वेश्चन लिख लीजिए, 500 रुपए की साधारण ब्याज, 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से वार्षिक साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहला क्वेश्चन मैं लिखूंगा की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया, 3 वर्ष के लिए उधार दिया, के लिए उधार दिया, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो, उधार दिया, उधार दिया तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ऐसा ही क्या होगा इसका ये ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना मेरे भाई, ऐसा ही क्या होगा ये ज्ञात करना है, 150 150 150 MB का सभी भाइयों का 150 शेयर जरूर करेंगे, ठीक है? देखो मैं नहीं जानता आपके पास कौन सी किताब है, लेकिन इतना कह सकता हूं कोई भी किताब है तो ये दो फॉर्मूले का उपयोग करो, इससे पहले खोद खोद के निकालना पड़ेगा, खोद खोद के निकालना पड़ेगा, क्या कह दिया है इससे पूछो, क्वेश्चन से क्या कह दिया है तुमने, माँ बाप से तो पूछ लेते हैं आप, क्या दिया है तुमने, क्या किया मेरे लिए, बल्कि उन्होंने क्या किया है ये आप जानते हो, बहुत कुछ करते हैं वो लोग, ठीक है? फिर भी कहते हैं कुछ बंदे कि क्या किया है, सोनू बाबू के चक्कर में, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना भैया, माँ बाप सब कुछ है, ठीक है? देखो ये 500 क्या है, 500 है पी प्रिंसिपल, पी बराबर क्या है 500, ठीक है? रुपया। आर क्या है, देख ये 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो आर क्या है, आर है 10% भाई साहब, ठीक है? और टी क्या दिया है, टी दिया है 3 वर्ष, बस तो एसआई का फॉर्मूला लिखा, एसआई बराबर हम जानते हैं एसआई बराबर PRT/100, पी की जगह मैं 500 लिख दूंगा, ठीक है? आर की जगह मैं 10 लिख दूंगा, ठीक है? 10 लिख दूंगा और टी की जगह 3 लिखूंगा। अब ध्यान दे, ये 100 हम क्यों लगाते हैं, 100 नीचे क्यों लगाते हैं भाई साहब? देखो ये आर तो प्रतिशत में दिया, तो प्रतिशत हटाते हैं तो इसलिए 100 आता है नीचे, अंडरस्टूड आता है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे आएगा, ठीक है? बराबर क्या हो जाएगा ऐसा ही, ठीक है? काटा पीटी करेंगे, पर काटा पीटी करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 5 और 10 का करेंगे 50 और 50, या 150 हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई, 150 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है? समझ पाए, कर पाए, कोई दिक्कत तो नहीं आता यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी किताब से आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? क्योंकि आपको पढ़ाया उस तरीके से जाएगा कि कोई भी किताब आपसे बन जाए, ठीक है? किताब बन जाए, फिर से सुन ले, कोई भी किताब आपसे बन जाए, ठीक है? वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज की किस दर पर, किस वार्षिक दर पर, किस वार्षिक दर से 600 रुपए, 600 रुपए का 10 वर्ष, 10 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज यानी ऐसा 120 रुपया हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। पहले तो मेरे भाई ये बताएंगे कि क्या पूछा है, पहले तो आपको क्या बताना है, क्या पूछा है इस क्वेश्चन का, ठीक है? 50 बंदे लाइव होने चाहिए, 50 बंदे लाइव होना चाहिए, ये आपका एम है, ठीक है? कल मैं फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट लेके आऊंगा, स्टार्टिंग से एंड तक करेंगे, हर दिन करेंगे भाई साहब, हर दिन करेंगे, जब तक एमपी पुलिस नहीं होगा तब तक। चलिए आ गया, हाँ दीपक, दो वर्ष, तो भाई साहब इधर देखो, मैं देखूंगा यहां पे कि साधारण ब्याज की किस दर से, किस वार्षिक दर से, तो क्या पूछा है भाई साहब? वार्षिक दर तो ये है ना, रेट, इसे वार्षिक दर कहते हैं हम, रेट कहते हैं, दर कहते हैं, वार्षिक दर, रेट, या फिर कितने रुपया सैकड़ा, यही तो पूछा है, तो आर पूछा है, मैं कोई दिक्कत नहीं, पूछने दो,
क्या दिया है 600 रुपया, तो ये 600 रुपया क्या है प्रिंसिपल, पी है मूलधन है भाई साहब, मूलधन है मतलब जो मूल दिया है। देखो हिंदी में अगर संधि विच्छेद करेंगे ना, मूलधन जो मूलधन दिया है ना, मूलधन दिया है वो मूलधन होता है, ठीक है। पी बराबर कितना है 600, ठीक है। और समय कितना दिया है टी बराबर 10 दिया है, और एस आई कितना दिया है, एस आई दिया है 120। अपने आप रहेगा टी वाला फॉर्मूला लगा दो या ये वाला फॉर्मूला लगा दो। देखो एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। पी आर टी अपॉन 100, एस आई कितना दिया है 120, पी कितना दिया है बराबर की जगह बराबर 600 इंटू आर कितना दिया है पता नहीं है भाई साहब, टी कितना दिया है 6 दिया, टी कितना सॉरी 10 दिया, तो 10 लिख दिया और बटे 100। देखो ये देखो दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, ठीक है। ये 120 है और ए 10 और 6 गुणा कर देंगे यानी भाग में चला जाएगा बराबर आर, काट देंगे 2 आ जाएगा। 2 वर्ष में सॉरी रेट है 2%, कितनी रेट है 2% की रेट से 2 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से अगर हम उधार लेंगे 600 रुपया तो 2 साल में सॉरी 10 साल में 120 रुपया ब्याज मिलेगा। इतनी सी बात है, आपको समझ पाए या नहीं समझ पाए बताइए, समझ पाए या नहीं समझ पाए, यस या नो बताइए, आंसर कमेंट जरूर करें भाई, आंसर कमेंट जरूर करना है। दो फॉर्मूले के अलावा तीसरा फॉर्मूला नहीं बताऊंगा ये मेरे, हाँ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए क्या पूछा है, क्या दिया है, ये जरूर पूछेंगे क्वेश्चन से। धनराशि ज्ञात कीजिए जो 7% वार्षिक ब्याज की दर से, 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज एस आई 280 है और 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दिया है, के लिए उधार दिया है, उधार दिया है, क्या बताना है आपको ये पता है, क्या बताना क्या है, क्या समझ पा रहे हैं आप जो मैं करना था, हाँ बताइए रमन वर्मा जी, चलिए यस समझ पा रहे हैं ना, मुकेश धाकड़ जी यस, भूपेंद्र जी हाँ, किंग भाई साहब समझ पा रहे हैं ना। देखो समझो तो ही, देखो पढ़ाई एक बच्चों का खेल नहीं है आजकल कि बच्चा प्रत्येक बच्चा पढ़ता है, अगर हाँ भाई साहब शादी के लिए पढ़ रहे हो तो अलग बात है, शादी के लिए पढ़ रहे हैं ना कि भैया शादी हो जाएगी अच्छी जगह और पढ़ लो, तो इसलिए पढ़ रहे हो तो भाई पढ़ते रहो, हाँ अच्छे से पढ़ना है, पेपर निकालने के लिए पढ़ना है तो मुझसे जुड़ जाइए, पेपर निकालवा के ही दूंगा, है ना, 1000 रुपया है, 1K आ गया बेटा कि नहीं आया, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही देखो ये क्या क्या दिया है, ऐसा ही दिया है आपको, ऐसा ही यानी ऐसा ही दिया है इतना, और 4 वर्ष दिए हैं, टी दिया है आपको और ये दर दिया है, आर दिया है, तो भैया ये वाला फॉर्मूला कौन सा लगता है, दो फॉर्मूले से पूरा चैप्टर खत्म होगा, ठीक है, हाँ मुकेश धाकड़ जी। चलिए तो ऐसा ही बराबर क्या होता है हम जानते हैं, पी आर टी अपॉन 100, भैया बच्चा बच्चा जानता है लेकिन इसका उपयोग करना हमें सीखना है, उपयोग करना सीखना है, किसी भी किताब को बनाना चाहते हैं तो उपयोग करना सीख लो, ठीक है। ये कितना है, ये दिया 280 रुपया, ठीक है लिख दिया। पी कितना है पता नहीं है भाई साहब, आर कितना है तो आर है 7, समय कितना है, समय है 4 बटे में 100। देखो भाई साहब इस 100 का गुणा इधर करेंगे, ठीक है करेंगे ना, तो मैं कर देता ये 28 280 × 100 और ये पी यहां पर रह जाएगा तो ये हो जाएगा 7 × 4, ठीक है। ये 7 से काट देंगे, 7 × 4 = 48 कट जाएगा, ये 4 से और काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 10 बार कट जाएगा और 10 × 100 बच रहा है, 10 × 100 बच रहा है, या फिर ये देखो 1 0 इतना लगानी है, 1 0 चिपका दो भाई सब, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, इसी को 1K कहते हैं, इसी को 1K कहते हैं। यहां तक समझ पाए, किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में, खासकर जो मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आप किसी भी किताब से करें, मैं नहीं जानता आपके पास कौन सी किताब है, लेकिन मैं इतना जानता हूं मैंने जो पढ़ाया वो पढ़ लिया, आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपसे किताब बनने लगी, किताब बनने लगेगी, इसकी गारंटी है। क्लियर है, समझ पा रहे हो, हाँ किसी भाई को अभी कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, ठीक है, क्योंकि मैं आपके हिसाब से चलना चाहता हूँ, है ना, कि आपको सब कुछ आ जाए, कि प्रत्येक किताब बन जाए, ठीक है। बताइए मुझे बताइए अभी तक, यस मुकेश धाकड़ जी आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इश्यू तो नहीं है, बताइए जल्दी से, हाँ तो लिखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, मैं इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में भी लिख सकता हूं और आप समझ भी जाएंगे, ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए ये यहां से चेंज करना, ब्याज की दर से 500 रुपया, 500 रुपया का कितने वर्ष में, कितने वर्ष में साधारण ब्याज यानी एसआई 150 रुपया हो जाएगा,
क्या पूछा है मेरे भाई, क्या पूछा है ये बताइए पहले। देखो क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, और क्वेश्चन पढ़ना आ गया ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती पेपर निकालने से। बच्चे को क्या है, रटना आता है क्वेश्चन, पढ़ना नहीं आता। पढ़ना आ गया तो पेपर निकालने से कोई रोक नहीं सकता, और रटना आ गया तो पेपर कोई निकलवा नहीं सकता। छह किंग का आ गया, छह देखते हैं बेटा, किंग सिक्स, ठीक है, किंग का आ गया छह, केपी का आ गया छह, चल हाँ, मनीष का आ गया छह, दीपक का आ गया छह, ठीक है भाई। तो क्या सही कर रहे, दो फॉर्मूले से तीसरा फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, और पूरा चैप्टर मैं करा दूंगा। आपके पास जो भी किताब है कर सकते हैं ना, और मुझे बार बार कहने की जरूरत ना पड़े शेयर करने की, ठीक है, शेयर करो शेयर करो, आप खुद जानते हो भाई, शेयर तो आपको करना ना, एफ बी व्हाट्सएप हर जगह, ठीक है, एफ बी व्हाट्सएप हर जगह, स्टेटस बनाओ आपके गुरु के प्रति, इतना तो आपका कर्तव्य है ना, स्टेटस बनाएंगे हम, ठीक है। नहीं बना रहे जो भाई स्टेटस नहीं बनाते, वो खुद चलावा देते हैं, खुद को साथ खुद चलावा कर रहे हैं, ठीक है। चल देखो 5% ये आर दिया यही पे देखें, और ये क्या दिया भाई साहब, ये रुपया दिया, ये प्रिंसिपल दिया, ये क्या दिया, ऐसा ही दिया है, नहीं ये ऐसा ही दिया है, तो अपन लगा देते हैं ऐसा ही वाला फॉर्मूला, पी आर टी अपॉन 100, ऐसा ही है 150, ठीक है, पी की जगह हम लिख देंगे 500, आर की जगह हम लिख देंगे 5, टी की जगह पता नहीं है, तो ऐसा कैसा, ये देखो ये 25 हो गए, 25 से भाग देते हैं 150 में, 25 से 150 में भाग देंगे तो कितना आगे पहाड़े आपको आना चाहिए 6%, ठीक है, समय आता है, टी हमेशा समय में आता है, 6%, चलो क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भाई को, किसी भाई को कोई दिक्कत है अभी तो मुझे बताइए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई साहब तो अपने आप सब कुछ आएगा, है ना, समझ पाए, बड़ी सी बड़ी किताब बना सकते हो आप, बड़ी सी बड़ी किताब लिख सकते हो आप, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी बता सकते हैं, यहाँ पे क्या है, पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, एक बार खुद से कहिए, ऐसा ही क्या है, ए क्या है, पी क्या है, ऐसा ही क्या है, ये खुद से दोहराइए क्या क्या है भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन किया, कोई धनराशि, कोई धन एसआईपी वार्षिक दर से 5 वर्ष में, ये लिख लेना 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, वार्षिक दर बताइए। हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको पूरा समझ में आने वाला है ना, तो क्वेश्चन तो पढ़िए, जो कुछ है क्वेश्चन है क्वेश्चन पढ़ना आ गया, जिंदगी में कोई भी कभी भी आप रिवीजन भी ना करेंगे ना तो भी आपको आएगा हर समय, बताइए कोशिश करिए करने का भाई साहब, कोशिश करिए करने का बन रहा है क्या नहीं बन रहा है या नहीं बन रहा, क्वेश्चन पढ़ना आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो किसी भी टीचर से नहीं पढ़े, मुझसे क्या, किसी भी टीचर से नहीं पढ़ेंगे आप तो भी पेपर निकलेंगे, एक नहीं कई सारे पेपर। हाँ चल 10% वार्षिक ब्याज आ गया है एक बंदे का, ठीक है, किंग का 20 आ रहा है, विशाल भाई का 10 आ रहा है, भूपेंद्र का 10 आ रहा है, ठीक है। देखिए भाई क्या क्या दिया है, मैं एक क्वेश्चन से पूछूंगा भाई साहब, तुमने दिया क्या है, जैसे माँ बाप से तो पूछ लेते हैं आप, आपने मेरे लिए क्या किया, अरे भैया पढ़ा रहे हैं आपको ये काम कम है, पढ़ाया है आपको ये क्या कम है ना, इसे बंद कर लो, कम कर, पढ़ाया है आपको ये का कम है, इधर कोई धन ऐसा ही की वार्षिक दर से, यानी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, भैया तो टी दिया है, टी बराबर 5, अपने का 3/2 गुना हो जाता है, यानी ये 2 गुना क्या हो गया, 3/2 गुना क्या हो गया, मतलब 2 दिया है तो 3 हो गया, मतलब बढ़ क्या गया, देखो ये आप ऐसे भी कर सकते, 2 दिया है तो 3x हो गया, 2x का 3x हो गया, मैं तो 3-4 तरीके से करूंगा भाई, ठीक है, मुकेश ठाकुर जी टेंशन ना ले, 3-4 तरीके से करूंगा। देखो अगर आप ऐसे करते हैं कि भैया मैंने तो x धन दिया है और ये 3/2x हो गया, x रुपया दिए थे तो ये क्या था मूलधन p, और 3/2 हो गया तो ये क्या है अमाउंट, यहां तक कोई दिक्कत, अब मुझे बताइए, मुझे तो ऐसा ही से मतलब है ना, क्योंकि अपन को जब वार्षिक दर निकालनी होती है तो ऐसा ही से मतलब होता है, तो ऐसा ही निकालने के लिए क्या करूंगा, तो ये देखो आपने किया ना अमाउंट ए बराबर पी प्लस एस आई करते हैं ना, तो ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं भाई साहब, ए की जगह लिख दूंगा 3/2x, ठीक है, पी की जगह क्या लिख दूंगा भाई साहब, तो पी की जगह लिख दूंगा एक्स, और ऐसा ही क्या है, ऐसा ही अपने आप मिलेगा, तो ऐसा ही यहीं पर रहेगा, और ये 3/2 में से एक्स घट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा 3x, समझ आ रहा, 3x-2x, ठीक है।
अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बटे दो। ऐसा ही कितना हो जाएगा भाई साहब, ये देखो यहाँ से तीन एक्स में से अगर दो एक्स घटाएंगे तो एक्स बचेगा, ऐसा ही कितना हो गया एक्स बटे दो। अब लगा दो फॉर्मूला ऐसा ही का, ऐसा ही बराबर पी आर टी अपॉन 100, ऐसा ही कितना है एक्स बटे दो, ये निकाला है अपने, ठीक है। पी क्या है, तो पी है एक्स रुपये, और दर क्या दी, समय कितना दिया है पांच वर्ष, दर कितना है पता नहीं है आप, और बटे सौ करते हैं ऐसे, देखो एक्स से एक्स कट जाएगा, ये जानते हो एक्स से एक्स कट जाएगा, ये सौ इधर आ जाएगा, सौ इधर आ जाएगा, दो इंटू पांच, पांच के ऊपर नीचे रहेगा, आर एन पे रहेगा, ये दस से हो जाएगा, दस से एक जीरो बढ़ जाएगी सौ, ठीक है, कितना आ जाएगा 10%, समझ में आ गया। दर हमेशा प्रतिशत में निकलती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, समझ पाए, एक तरीका हो गया, एक तरीका हो गया, लेकिन ऐसे नहीं करना भाई साहब, ऐसे नहीं करना है, हमें क्या देखना है, देखो तीन बटे दो, तीन बटे दो गया मतलब दो दिए थे, मैं यहां पर लिख देता हूं, दो दिए थे तो तीन हो गए, मतलब ब्याज कितना मिल गया एक, तो एक ब्याज मिला, ऐसा ही एक मिल गया, कितने पे, दो पे, कितनी दर से पता नहीं है, लेकिन कितने समय में, पांच वर्ष में, बटे सौ, ऐसे ही करते हैं भाई साहब, इस सौ का गुणा इधर कर देंगे, ये देखो सौ, और इस पांच को भी दस का गुणा नीचे कर देंगे, और एक कितना आ गया, एक जीरो से एक जीरो, आर हमेशा प्रतिशत में आता है, कितना आ गया भाई साहब 10%, तो ऐसे करेंगे मेरे भाई, ऐसे करेंगे मेरे भाई, क्लियर है ना, दैट्स क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं बताइए, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ हमेशा याद रहेगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे बस, क्वेश्चन पढ़ेंगे, सब कुछ है, क्वेश्चन ही सब कुछ है, क्वेश्चन ही मेरी जान है ना, चलो हाँ यस, समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं, देखो फिर से बता देना, देखो ये तीन बटे दो हो गया, तीन बटे दो क्या है, ये मिश्र धन दिया है, मिश्र धन यानी दो रुपये दिए थे तीन रुपये मिल रहे हैं, दो सौ दिए तो तीन सौ मिल रहे हैं, ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है, दो रुपये दिए तो तीन मिल रहे हैं, मतलब एक ब्याज मिल गया, तो मैंने ऐसा ही फॉर्मूला दिया, ऐसा ही यहाँ पे जगह एक रख दिया, यहाँ पे दो रख दिया, आर की जगह आर रख दिया, टी की जगह पांच रख दिया, और बटे सौ कर दिया, और इसे याद कर दिया, आर बराबर कितना हो गया 10%, समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहां तक पहुंचने में किसी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है, ठीक है, आप करने के लिए बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं, बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं जो भाई, बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं, ठीक है, इधर देखो मैं और तरीका बता देता हूँ, और अच्छा तरीका बताता हूँ, ठीक है, इधर देखो ये तीन बटे दो हो गया, तो तीन बटे दो को क्या लिखते हैं, तीन बटे दो को प्रतिशत में क्या लिखते हैं, तो तीन बटे दो को आप कहेंगे सर मैं प्रतिशत में भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो सौ प्रतिशत गुणा करते हैं, ठीक है, ये लिखते लिखते हैं कि लिखते हैं, ये पचास में कट जाएगा, पचास की डेढ़ सौ, यानी इसको डेढ़ सौ, मतलब मैं सौ परसेंट दिया था, सौ परसेंट दिया था, सौ परसेंट अगर मैंने दिया था और डेढ़ सौ परसेंट हो गया, मतलब ब्याज कितना हो गया 50%, और ब्याज हमेशा याद रखना, ब्याज हमेशा क्या रहता है पी आर टी, पी आर टी के अप्रोक्स रहता है, यानी आर टी के अप्रोक्स रहता है, ब्याज हमेशा आर टी के समथिंग होता है, आर मतलब रेट और समय का गुणनफल होता है, ब्याज ब्याज हमेशा रेट और समय का गुणनफल होता है, तो इधर देखो ये 50%, ठीक है, आर पता नहीं है, टी पता है, पांच, पांच से काट दिया क्योंकि ये पांच को नीचे ले जाएंगे, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, यहां लिख देता हूं 50/5, 50/5 कितना हो गया टी, ए का कितना आ गया 10%, टी सॉरी आर बराबर 10%, आर बराबर 10%, क्लियर है, तो तीनों तरीके आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, हम रेशो से कर सकते हैं, भिन्न से कर सकते हैं, ठीक है, प्रतिशत से कर सकते हैं, ऐसा ही फॉर्मूले से कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं मेरे भाई साहब, एक क्वेश्चन को करने के 56 तरीके होते हैं, ये मुझे नहीं आते 56, लेकिन इतना जरूर है 10-12 जरूर आते हैं, 10-12 जरूर आते हैं, ठीक सर आज ही ज्वाइन किया है, हाँ बेटा ज्वाइन किया है ना, आज ही मजा आ जाएगा, आज ही पढ़ेंगे आप, कोई भी किताब है आपके पास उसी किताब से लगाइए भाई साहब, एक बार वीडियो देखें, दो बार वीडियो देखें, ठीक है, इतना जरूर है कि आप बनाने लगेंगे, है ना, चलिए पूरा वीडियो जरूर देखें, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भाई को, किसी भी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो लेटे लेटे नहीं पढ़ना है तुम्हें कि लेटे लेटे पढ़ रहे हो, है ना, इससे क्या है तुम्हारी क्षति होती है ना, हाँ लेटे लेटे नहीं पढ़ना भाई, पूरा ध्यान इधर वीरेंद्र सर के माथे पे होना चाहिए पूरा ध्यान, ठीक है, चलो लिखिए कुछ क्वेश्चन, एक धनराशि क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से मैं दो फॉर्मूले से पूरा मैथ कराने वाला हूं, दो फॉर्मूले से मतलब एक चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूं, ठीक है, पूरा मैथ तो ज्यादा होगा, है ना, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिया गया, वह से उधार दी गई वह तीन वर्ष में अपने की 5/4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या कीजिए, वार्षिक दर बता दीजिए भाई, चलिए बताइए आंसर, बताइए मेरे भाई,
ब्याज की वार्षिक दर बताइए, ब्याज की वार्षिक दर बताइए, ठीक है, समझ पा रहे ना? क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया उसने, सब कुछ कर लिया, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ फिर से, दो फॉर्मूले और पूरा काम हो जाएगा, दो फॉर्मूले से पूरा काम हो जाएगा। नहीं हो तब आप कह सकते हैं कि सर मेरा काम नहीं हुआ, आपने तो बोला था। चलिए, पानी वानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन से बचें। गलत है दीपक भाई, कहाँ गलती कर रहे हो, जम रहे हो गुरु जी। हाँ धन्यवाद, ये साइड गिफ्ट किया भाई था, गिफ्ट की साइड है। अभी परसों जन्मदिन पर गिफ्ट हुई थी, ठीक है, जन्मदिन पर गिफ्ट हुई थी भाई साहब। हाँ पच्चीस बटे थे, विशाल सिंह बिल्कुल सही है, विशाल भाई भूपेंद्र का बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ ये क्या गलती कर रहे हो, अतर सिंह जी क्या गलती कर रहे हो, ठीक है, मनीष बिल्कुल सही है भाई साहब। चलिए मैं कर देता हूं, एक साधारण राशि, एक धनराशि, सॉरी एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई। अब साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, दर तो पता नहीं है, उधार दी गई, वह अपने तीन वर्ष में, तो भैया समय दिया है, टी बराबर कितना दिया है तीन, और पांच बटे चार गुनी हो गई, पांच बटे चार गुनी हो गई, मतलब अगर एक्स दिया हुआ आप तीन तरीके से कर सकते हैं, एक्स दिया होगा तो ऐसे कर सकते हैं, एक्स दिया हुआ तो पांच बटे चार एक्स मिल रही है, मतलब ब्याज कितना मिल रहा है एक बटे चार, इसमें से इसे घटाऊंगा, इसमें से इसे घटाऊंगा, एक्स को घटाऊंगा तो ब्याज अपने आप मिल जाएगा, ब्याज कितना मिल जाएगा एक बटे चार, एक्स बटे चार, ठीक है, लगा दो एक्स बटे चार बराबर एक्स रुपया पे कितनी दर से तीन वर्ष में, राइट, रेट पता नहीं है, बटे सौ, ठीक है, ये एक्स से एक्स काट दिया, ये दोनों का बड़ा इधर कर दिया, ये सौ इधर हो जाएगा बड़ा, ये बारह का भाग दे देगा, ठीक है, कितना हो जाएगा आठ, सही, ये पचास, चार से काट सकते हो, चार से काटेंगे तो कितना पच्चीस बार, और चार से काटेंगे तो तीन बार, यही अपना आंसर है। ऐसे नहीं आता आंसर तो आठ से एक बटे तीन भी ले सकते हो उसे, ठीक है, अभी बताने वाला हूं, लेकिन ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना, आपको आपको देखना है, इधर देखो, आपको ये देखना है, चार रुपया पे पांच रुपये मिल रहे हैं, चार रुपया पे पांच रुपये मिल रहे हैं, तो ब्याज कितना मिल गया, अगर चार रुपये तुमने दिए हैं पांच रुपये मिल रहे हैं तो ब्याज कितना मिल गया, चार पे पांच मिल रहा है तो ब्याज कितना मिल गया, तो एक ब्याज मिला है चार रुपया पे, कितनी साल में, आप कहेंगे सर तीन साल में, कितने रेट से, तो आप कहेंगे सर पता नहीं है, और बटे सौ तो आता है भाई साहब, ठीक है। अब मुझे बताइए इस सौ का गुणा इधर कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई को, और ये चार इंटू तीन का गुणा इधर कर दूं बराबर आर, ये चार से काट देता हूं पच्चीस बार, और ये आर कितना आ जाता है पच्चीस बटे तीन, यही आपका आंसर है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं दिया तो आगे जाइए, पच्चीस में भाग दीजिए तीन का, पच्चीस में भाग देंगे तो आठ चौबीस, आठ बच लगे, ठीक है, एक बच रहा है, तो इसे लिखेंगे कैसे, आठ सही एक बटे तीन, क्या लिख सकते हैं इसी को, आठ सही एक बटे तीन। अगर ए भी ऑप्शन में नहीं दिया तो आगे जाता है वो ऑप्शन और आगे बनाए, ठीक है, तीन तिरका नौ, ठीक है, पॉइंट तीन, तीन तिरका नौ चलता जाएगा पॉइंट तीन, यानी क्या आ सकता है आठ दशमलव पॉइंट तीन 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 चलता जाएगा, इसे बंद करना है तो भाई साहब आठ दशमलव तीन पे बार लगा दो, ये भी आपका ऑप्शन है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ठीक है, चार आंसर आपके मिल गए, चार आंसर मिल गए, और पांच तरह से आप कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यस या नो बताइए, हाँ चल कर सकते हैं ना मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़ाइए भाई, ठीक है, सभी को जोड़िए अपने से, है ना, जोड़ के रखिए, पुण्य का काम है पढ़ाना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन में पढ़ाए आराम से, पुण्य का काम है पढ़ाना, क्योंकि बहुत से बंदों को कुछ तो मिलेगा, शादी करने वाले बंदे दूर रहे, कि भैया शादी के लिए पढ़ रहे हैं तो वो केवल उतना ही पढ़े जितना जरूरत है, और बाकी पैसों को फेसबुक पे इस पे उस पे खर्च करें, ठीक है, जय हो के पी भैया की। चलिए क्वेश्चन है बेटा, लिखिए, रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज की दर पर चार वर्ष साधारण ब्याज पर चार वर्ष के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश छह बटे पांच गुना धन वापस किया। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए मेरा भाई, ठीक है,
देखो आप लोगों के साथ बना रहना जरूरी है क्योंकि वीडियो को आप ही लोग देखते हैं, ठीक है। भरपूर प्यार मिलना चाहिए, भरपूर शेयर करना चाहिए, है ना। ब्याज की दर याद करना है, क्या दर याद करना है आपको, दर याद करना है 5, बिल्कुल सही है। देखो बिना फॉर्मूले के आप पूरा मैथ कर सकते हैं, बस कुछ फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। राजवीर का, भूपेंद्र का, ठीक है, अतर सिंह यादव जी का, ठीक है, इट्स द बी स्टेटस, अरे वाह। चलिए किंग दीपक, बिल्कुल सही है। तो देखो मैंने बताया ये 5 मिला है और 6 पे, 5 ब्याज मिल रहा है 6 पे। आप चाहो तो बहुत से तरीके हैं आपके पास, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। 5 ब्याज मिला 6 पे, सॉरी 5 रुपया पे 6 ब्याज, 6 मिले यानी 1 ब्याज मिल गया, 6 रुपये मिल रहे हैं 5 पे आ, तो ब्याज कितना मिल रहा है 1। कितने रुपया पे, 5 पे। कितनी देर दर से, तो आपको पता नहीं है आर लेकर, तो कितने समय में, 4 साल में बटे 100 आप करते हैं। यहाँ पे काटा पीटी कर लो, 5 से काट लो 20 बार और ये 4 से काट लो 5 बार, ठीक है। ये 5 का गुणा इधर कर देंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा 5, R बराबर क्या होगा 5 प्रतिशत, समझ पाए। देखिए इसी क्वेश्चन को और आसान तरीके में बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन को करने के और आसान तरीका बता देता हूँ। देखो आप अगर भिन्न से कर सकते हैं, हाँ इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिखो। हाँ बेटा ये देखो, ये पता होना चाहिए तुम्हें, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों एक ही होते हैं। इंग्लिश अगर अच्छे से पढ़ ली तो हिंदी वाला पढ़ लेगा, ठीक है। ये ऐसा ही दिया है आपको बेटा, ये टाइम दिया है, ठीक है, और ये अमाउंट दिया है कि अमाउंट इतना हो जाता है, इतना टाइम हो जाता है, इतना गुना हो जाता है, ठीक है। इधर देखिए इसी क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखो 5 से 6 हो गई, मतलब कितना बढ़ गया, 1/5, और 1/5 को क्या लिख सकते हैं आप, 20% लिखते हैं कि ना लिखते, 20% तो मैं लिखूंगा ये 20% बढ़ गया, और 20% जो बढ़ा है वो RT के बराबर होगा, R और T, ठीक है, 20% बराबर RT, R कितना दिया है पता नहीं है, और T कितना दिया है, T है 4, ठीक है, 4 से भाग दे देंगे, इस 4 से भाग दे देंगे ना भाई, तो R अपने आप निकल जाएगा 20/4, 20/4 कितना होता है 5, यही तो अपना निकला था। तो ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, ऐसे भी कर सकते हैं। एक मैंने बेसिक तरीका बताया, एक जानदार तरीका बताया, हाँ नहीं होते सर नेम अलग अलग होते हैं, हाँ बेटा एक ही नेम होते हैं, इंग्लिश इंग्लिश में बहुत कम नाम होते हैं, हिंदी में कई नाम होते हैं, हिंदी में ही है कई नाम, ठीक है। इंग्लिश में मैथ को कैसे लिखते हैं, ठीक है बेटा, कर पा रहे ना, समझ में आ रहा ना। देखो कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताइए, ठीक है। समझने और समझाने की महफिल में आपका स्वागत है सभी का, ठीक है। आगे ना समझ, देखो इतना इजी कर सकते हैं, पर मैंने बताया ये फिर से समझ नहीं आती। देखो ये देखो ये कितना बढ़ गया, 1/5, वही ये 5/6 हो गया, 6/5 हो गया, तो कितना बढ़ गया 1/5, और 1/5 को आप क्या ले सकते हैं 20%, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत बदलते हैं तो ये लिखते हैं ना भाई, पूरा मैथ करा दूंगा भाई साहब, 20%, और 20% बढ़ गया तो मैंने बताया था ये जो भी बढ़ेगा वो RT के बराबर होगा, RT के टी की जगह 4 लिख दो, आर की जगह आर लिख दो, वही 20, और 20 से काट दिया तो कितना हो जाएगा 5 आर, ठीक है, यही तो अपना आया था। चलो समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। हाँ देखो वीडियो को शेयर ज्यादा करेंगे, है ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे जिससे कि बहुत से बंदे जो जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। लिखिए एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, लिखिए एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और दो वर्ष बाद 11/10 गुना 11/10 गुना महाजन को वापस किया तो ब्याज की दर पर उधार किया, यानी ब्याज की दर याद कीजिए, ब्याज की दर याद कीजिए, यानी रेट याद करना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, समझ पाए। देखो मैं इस तरह से लिखूंगा तो भी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि समय कितना दिया है 2, और कितना गुना लौट रहा है, कितना गुना वापस लौट रहा है, इतना गुना वापस लौट रहा है 11/10 गुना वापस लौट रहा है, तो आपको क्या बताना है, रेट बताना है, आर बताना है। मनीष का 5 आ गया, अतर सिंह का 5 आ गया, अतर सिंह की, ठीक है, देवेश का आ गया, ठीक है, चलो 5 फिर से 5 आ रहा है मतलब, ठीक है, भूपेंद्र जी, चलो इट्स तब्बी स्टेटस। हाँ देखो भाई एफबी व्हाट्सएप हर जगह शेयर करते रहे, ठीक है, हाँ जुड़ जाए हमारे साथ। चलो क्वेश्चन हम इतना लिखेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन ही है भाई साहब, क्वेश्चन ही है ना आपको लिखना है ना, मैं बता दिया आपको, आज के बाद किसी भी किताब से पढ़ेंगे सभी क्वेश्चन बनने वाले हैं, ऐसा लगेगा हलवा है सब, ठीक है, क्योंकि आपने दो फॉर्मूले जो कर दिए, ऐसा ही बराबर
पीआरटी अपन 100 ऐसा याद किया है तो नहीं हो सकता भाई सब, तो कुछ नहीं होगा आपका, लेकिन ये दिखा है ऐसा ही क्या है, कैसे निकालेंगे क्वेश्चन से ऐसा ही, ये दिखा है पी क्या है कैसे निकालेंगे क्वेश्चन से पी, ये दिखा है आर क्या है कैसे निकालेंगे और क्वेश्चन से आर, ये दिखा है टी क्या है टी कैसे निकालेंगे, और एक अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई, ठीक है अमाउंट क्या है, अमाउंट क्या होता है, पी क्या होता है, बिल्कुल सर हमें कहना चलो तो कर देते हैं, ठीक ये इतना गुना हो रहा है, इतना गुना हो रहा है, ठीक है तो आप कह सकते हैं कि 10 पे 11 मिल रहा है, मतलब 10 रुपया पे 11 रुपया हो रहा है, ठीक है मतलब एक ब्याज मिल रहा है, ब्याज कितना मिल गया एक, तो ब्याज निकाल लिया आपने एक, कितने रुपया पे 10 पे, ठीक है आर क्या है तो पता नहीं है साहब, टी क्या है तो टी दो दिया है साहब, और बटे में 100, देखो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, ये दो से काट दिया पांच बार, और ये पांच और ये ऊपर आर है, आर बटे पांच बराबर एक, यानी इसका गुणा इधर कर दो और आर बराबर कितना देगा 5/35, आर हमेशा 5% रहता है, ठीक है दूसरा तरीका आपने देखा था भैया 1/10 ही पड़ता है, और 1/10 कितना है 10% और 10% किसके बराबर आर टी के बराबर, आर की है 10%, देखो ये दूसरा तरीका है, आर कितना है पता नहीं है लेकिन समय कितना है 2, तो ये दो को भागा दो लात मार के, ये दो को लात मार के भगा दो, आर कितना हो जाएगा, ठीक है मेरी लैंग्वेज हमेशा देसी रहेगी, ठीक है देसी लैंग्वेज है भैया, दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे तो सदैव आएगा आपको, दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे तो सदैव आ जाएगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एक्स मान के करोगे तो एक्स मान के कर लो, एक्स मान के हो जाएगा, एक्स मान के भी तो हो जाएगा, समझ पाए तीनों तरीके को समझ पाए, पहले तो ये बताओ यस नो, फिर आगे बढ़ेंगे भाई साहब, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना है, कोई टाइप टूप नहीं होता, कोई टाइप और टूप नहीं होता, जो सर पढ़ाते ना ये टाइप वो टाइप फलाना टाइप ढिगाना टाइप, ठीक है कोई टाइप टूप नहीं है, केवल दो तरीके दो फॉर्मूले और पूरा चैप्टर खत्म, चलिए बस उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, उसके लिए क्या आना चाहिए भाई साहब, फुल समझ गए बोलिए, चलिए उसके लिए क्या आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ना, जितनी एनर्जी है आपके पास जितनी ताकत है जितनी इफिशियंसी है क्वेश्चन को पढ़ने में झोंक दो, क्वेश्चन को पढ़ने में झोंक दो और कुछ नहीं करना है ना, आगे बेटा आ गया, चलिए क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि मैं लिख देता हूं, कोई धन साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज पर क्वेश्चन को लिख रहे हैं ना, साधारण ब्याज पर उधार दिया गया 3 वर्ष में उसका एसआई उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। चलिए बताइए, ये ती उधार है भैया 3 वर्ष में, ठीक है तो वार्षिक दर बताइए, कोशिश करें करने की, विशाल भाई का आ गया भाई साहब, ठीक है वीडियो को फैलाएं भाई साहब, ठीक है सभी भाई वीडियो को फैलाएं, अगर अच्छा लगता है तो ही फैलाएं, अदरवाइज डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चले पढ़ नहीं रहे भाई साहब, पढ़ लेगा वो कर लेगा, अटल जी आप पढ़ नहीं रहे क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है, ठीक है क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हो पाएगा ना, राजवीर 40/3 क्वेश्चन को पढ़ लें, लाइक कर दें और हिट कर दें, ठीक है फैला दें रॉकेट की तरह फैला दें, ठीक है देखो भाई साहब क्वेश्चन में पढ़ूंगा सिंपल शब्दों में पढ़ूंगा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, भैया कोई धन होगा तुमने कोई उधार दिया किसी भाई को, मुझे ही दे दो उधार, ठीक है मुझे जरूरत सबसे ज्यादा है तो मुझे ही दे दो उधार, है ना कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और 3 वर्ष बाद में उसका ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज मूलधन का किसका मूलधन का 3/5 हो जाता है, अब देखो इस शब्द को पढ़ो ऐसा ही किसका मूलधन का कितना गुना 3/5 गुना, ठीक है किसका मूलधन का, मूलधन एंड प्रिंसिपल का, कर सकते हैं ना भाई ऐसे करेंगे, यानी अगर मैं इसको सही बोलूं SI/P कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 3/5, मतलब पी है प्रिंसिपल 5 रुपये दिए होंगे तो 3 रुपये ब्याज मिलेगा, 5 रुपये दिए होंगे तो 3 रुपये ब्याज मिलेगा, इसी को यहां पर समझते हैं, ये 3/5 हो गया, पुराने क्वेश्चन में देखो ये 3/5 अगर होता या कुछ होता तो वो क्या था मूलधन का मिश्रधन था, लेकिन ये क्या है ये ब्याज मिल रहा है अपन को 3 कितने रुपया 5 रुपया, कितनी दर से
दर पता नहीं है, कितने समय में, तीन समय में, तीन वर्ष में दिया और बटे में 100, ऐसे करते ये काट दो आप 20 बार, ठीक है। अब ये 20 बच गया, इधर चला जाएगा 20 इंटू 3 हो जाएगा और ये 3 को लात मार के भगा दो, बटे में 3 आ जाएगा, ठीक है। आर टी 20 कितना हो गया, आर बराबर 20%, समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहाँ पे भी काट सकते हो आप, 3 से 3 यहाँ पे काट सकते हो, कहानी खत्म हो सकती है, इतनी सी बात है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ मैंने क्या बताया, प्रतिशत वाले चैप्टर से जो कर लो भैया, तो ये 3/5 कितना होता है, तो आप कहेंगे 60% होता है, 3/5 कितना होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो बंदे बिगनर्स हैं उनके लिए, 3/5 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 3/5 ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100% गुणा करते हैं, 5 से काटेंगे 20 दिए 60, कितना हो जाएगा 60%, होगा कि नहीं होगा 60%। अब 60% ब्याज मिल रहा है तुम्हें, 60% ब्याज, और ये मैंने बताया ब्याज जो भी होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ब्याज जो भी होगा वो आरटी के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, आरटी के, रेट और टाइम के, रेट और टाइम के गुणनफल के बराबर होगा ब्याज, ठीक है। आरटी के आर कितना दिया पता नहीं है, लेकिन टी कितना दिया है 3, तो ये 3 को लात मार के भगा दो, 60/3 कितना हो जाएगा 3, 60/3 प्रतिशत यानी 20%, समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो मुझे बताइए, नहीं है दिक्कत, की दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। क्वेश्चन को पढ़ना जैसे आ गया वो सब कुछ कर लेगा, ठीक है, बिना फॉर्मूले के इस चैप्टर को निपटा सकता है, ठीक। 40/3 कैसे आया, मुकेश ठाकुर जी अब सही करिएगा, है ना, समझ में आ गया ना, नो सर नहीं आया समझ में, तो इधर लिख लेगा, दिक्कत नहीं है या समझ में आ गया, इसका आंसर दो पहले, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो क्वेश्चन लिखिए आराम से, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और फिर करेंगे, फिर जिंदगी भर कोई गलती नहीं होगी, भले एक बार पढ़ो और ऐसे पढ़ो कि भैया जिंदगी भर याद रहे, ठीक है। ये बातें जो साधारण ब्याज की बातें हैं, अगर कोई साहूकार है, कोई साहूकार है अंगूठा छाप, कैसा, कोई साहूकार है अंगूठा छाप, और तो उसको भी आएगा, उसको भी पता है पैसे पैसे का हिसाब, वो भी अपने आप बता देगा इतने पैसे हुए, इतने और उधार रहे मेरे, इतने और आ गए, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर बताइए, दर बताए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें अपने आप आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो भैया आंसर आएगा अपने आप, ठीक है। क्वेश्चन सही दिख रहा है ना, हाँ क्वेश्चन सही दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्पीड फास्ट होनी चाहिए आपकी, स्पीड फास्ट होनी चाहिए भाई साहब, ठीक है, स्पीड फास्ट होनी चाहिए। धर्मेंद्र यादव क्या करता है भाई साहब, हाँ एबी पे आप शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, हाँ 5/2, 6 सही 1/4, 4/25, भाई साहब क्या कर रहे हो, वैसे ही कर रहे हो, तो कद है, चलो पढ़ नहीं पा रहे हो, है ना, क्वेश्चन को पढ़ नहीं पा रहे, कोई दिक्कत मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं बता देता हूँ, 6 सही 1/5, देखिए बेटा देवेश जी कहां गलती हो रही है आपसे, ये देखो है ना, ये देखो साधारण ब्याज पर, मैं स्टार्टिंग से पढ़ता जा रहा हूं, आप मेरे साथ पढ़िए पढ़ना सीख जाएंगे, यदि कोई धनराशि आर परसेंट टी परसेंट एन गुना हो जाता है, बिल्कुल बताएंगे, फॉर्मूला नहीं करेंगे भाई साहब, फॉर्मूला कोई करेंगे नहीं, बिना फॉर्मूले का मैथ करेंगे भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं, बिना फॉर्मूले का मैथ करेंगे मेरे भाई, ठीक है, और आपको समझ में आएगा, हर एक बंदे को समझ में आएगा, ठीक है। फॉर्मूले से करेंगे ना तो कुछ दिनों के लिए रहता है, फॉर्मूले से रट रट के करते हैं ना भाई साहब तो कुछ दिन के लिए रहता है, लेकिन हमेशा भी नहीं रखना है आपको, बिना किसी अगर कभी रिवीजन भी नहीं करना और फिर भी आपको आना चाहता है तो
तो आप ये सब कॉमन सेंस क्वेश्चन को पढ़ना और एक फॉर्मूला इधर देखिए, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 हो जाता है। तो पहले मुझे इसका मतलब बताइए, यहां से यहां तक का मतलब बताइए। हाँ, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिख नहीं सकते भाई साहब, ठीक है, इंग्लिश भी कह रहा है। देखो ये कह रहा है कि कौन सा सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कोई अमाउंट का इतना हो जाता है, अमाउंट का इतना हो जाता है, तो मैं जानता हूं कि एसआई कितना दिया है, एसआई 3 है, ये ऊपर वाला एसआई रहता है, एसआई 3 है, और अमाउंट कितना दिया है, सॉरी पी कितना दिया है, पी दिया है 16, ठीक है, और क्या दिया है, समय की वर्षों में संख्या, दर की 3 गुनी है, मतलब अगर आर आर एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि दर की 3 गुनी है, आर एक्स होगा तो समय कितना होगा, 3x होगा, अगर ये 3 गुना हो जाए, x का 3 गुना 3x, x का 3 गुना 3x हो गया ना। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन, समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी है, ठीक है, दर के 3 गुने के बराबर है, तो अगर 3 गुने के बराबर है तो r कितना होगा, x, तो ये कितना हो जाएगा 3x, इतना समझ में आ रहा है। तो बस कुछ नहीं है, लगा दो एसआई का फॉर्मूला, एसआई बराबर क्या है, एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100 करते जाइए, बस सॉल्व करते जाइए। एसआई दिया 3, कितने रुपया पे, 16 पे, रेट क्या है, रेट अगर तुम एक्स मानते हो, ठीक है, और समय अगर 3x मानते हो, और बटे में 100 करते हो, इस 100 को इधर गुणा कर दो, इस 100 का इधर गुणा कर दो, ठीक है, तो मैं कर देता हूं, यहां पे दिख रहा है, ये 100 का गुणा इधर कर दिया, ये 3 को मैं नीचे ले आता हूं, ये 3 गुणा हो रहा है, ठीक है, 3 को नीचे ले आता हूं, ये 16 को भी नीचे ले आता हूं भाई साहब, और यहां पे क्या बचेगा, बराबर x * x, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये x और x x² बन जाएगा, x² बराबर कितना हो जाएगा, 16, 100/16। अब मुझे बताइए, मुझे तो x निकालना है, यहां से x निकालना है, तो वर्गमूल ले लूंगा, वर्गमूल लूंगा तो भाई साहब कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 100/16 हो जाएगा, ठीक है, आप जानते हैं, मैं बताने की जरूरत नहीं है, ये कितना हो जाएगा, 100 का अंडर रूट हो जाएगा, 100 का वर्गमूल होता है 10, और इस 16 का वर्गमूल एक मैंने अलग अलग कर दिया, 100 का होता है 10 और इसका होता है 4, ठीक है, होता है कि नहीं होता, 10/4, 10/4 को और आगे बढ़ाएंगे, 10/4 को और आगे बढ़ाएंगे तो 5/2 हो जाएगा, 5/4 आपका आंसर है, ठीक है, 5/4 नहीं आ रहा तो 2 सही, 1/2 होगा, ये भी नहीं आ रहा तो भाई साहब और तोड़ दो, 2.5 हो जाएगा, ठीक है, और अपनी शुद्ध हिंदी भाषा में कहेंगे इसे ढाई, क्या कहते हैं भाई साहब, ढाई कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, ढाई आकर अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, किसने कहा था आगे ना समझे, तो भाई साहब ऑप्शन पे जाना है, ठीक है, ये यहाँ पर लिख रहा तो यहाँ पर कर देता हूँ, ये 10/4 में लिख सकता हूँ, देखो 2 से काट दिया 5 बार, 2 से काट दिया 2 बार, ये इसको लिख सकता हूँ, इसको भी क्या लिख सकता हूँ, या तो ऑप्शन में आंसर होगा 5/2, या नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, इसी को ढाई लिख सकते हैं, 2 से 1/2, या इसको ये लिख सकते हैं 2.5, ठीक है, या इसी को क्या लिख सकते हैं, ढाई 5/2, कबीर ने बिल्कुल सही करा, कबीर ने, ठीक है, हाँ शेयर करो भाई, 1 घंटे की वीडियो आपकी होने वाली है, पता भी नहीं चला होगा, है क्या पता चल गया, 1 घंटे में बोर हो गए, 1 घंटे में बोर हो गए क्या, पहले बताओ, हाँ बताइए, समझ में आ रहा है प्रॉपर तरीके से, एक बार जय का महाकाल का नारा लगा के शेयर कर दो, है ना, महाकाल का नारा लगा के सभी शेयर कर दो, है ना, चलिए आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर है, उसके 1/4 के बराबर है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। क्वेश्चन लिखते ही आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन को लिखते ही आंसर आना चाहिए, जॉन्टी रॉब, जॉन्टी का उसी तरह से आंसर आया, थ्रो बैक थे जॉन्टी रॉबर्ट्स, है ना, ये थ्रो बैक थे, बड़े तगड़े थ्रो बैक थे, लंपुस 5, राजवीर 5, जॉन्टी 5। 1 घंटे की वीडियो आपकी कंप्लीट होने वाली है भाई, ठीक है,
आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो भाई मजा आएगा मुझे पढ़ाने में, आपको पढ़ने में, है ना, बोर फील होने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। और किसी भी एग्जाम में नहीं आए तब मुझसे कहो कि सर एग्जाम में नहीं आ रहा मेरे में, ठीक है भैया फुल आएगा, मैंने गारंटी जो दी है कि एसएससी सीजीएल मेंस को छोड़ के और बाकी सब एग्जाम में कुछ भी बाहर नहीं जाना है आपका, ठीक है। एसएससी सीजीएल मेंस को सिलेबस को छोड़ के बाकी किसी भी एग्जाम में आपसे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, लिखित ले जाइए कर दो, ठीक है। हृदय धाकड़ सीपे, चलिए देवेंद्र भाई एक बार और, देवेश भाई बेटा शेयर मेरा करो, ठीक है, हाँ एक बार और बात नहीं करने के लिए नहीं आया, पढ़ ले, है ना, पढ़ने के लिए आया हो, ठीक। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर किस दर पर उधार दिया, अभी कोई दर की बात नहीं की, ठीक है, उधार दिया गया तो भैया रेट ही पूछा है, इसका क्या पूछा है, रेट पूछा है आर, ठीक है। कितने समय दिया है तो टी दिया है, समय टी होता है वर्ष में दिया है 5 वर्ष, ठीक है। अब मुझे बताइए मेरे भाई उसका साधारण ब्याज कितना हो जाता है, उसका साधारण ब्याज उसकी 1/4 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, मतलब 4 रुपये दिए होंगे तो 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 4 मूलधन है तो 1 ब्याज मिल रहा है, समझ पा रहे हैं भाई। मैं 2-3 तरीके से कर सकता हूं, देखो शॉर्ट तरीका ये 1/4 को अपन 25% कहते हैं, 25% ब्याज मिल रहा है, और ये ब्याज किसके बराबर होता है आर टी, ठीक है, आर आपको दिया है 25%, ठीक है, और इसे आर की जगह पता नहीं है, समय की जगह 5, तो ये आर यहीं पर रह जाएगा, 25 में 5 का लगा दे देंगे, 25 में 5 का दे देंगे तो 5 आ जाएगा, तो तीसरा कोई दिक्कत नहीं आता, ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, सबसे पहले उत्तर हमारा है, देख लो सर, हाँ जी राजू, ठीक है, समझ में आ गया, ये इतू सा छोटू सा आंसर था, छुटकू सा आंसर था, छुटकू सा आंसर हो गया भाई साहब, देखो फिर से समझ लो इसको, समझ पाया ना, ऐसे ही करेंगे भैया चुटकियों में उड़ा देंगे, बस देखते ही देखते नजरों का खेल है। 1/4 को कहते हैं 25%, 1/4 को कहते हैं 25%, और 25% मिल रहा है मुझे तो 25% ये जो ब्याज मिलता है वो किसके बराबर होता है, ब्याज मिलता है वो दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है, ब्याज मिलता है वो दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है, इस बात को देखो, तो 25% मिला मुझे तो दर कितनी है, दर पता नहीं है तो देखो, समय कितना है 5 का बस में भाग दूंगा, एक बार दूंगा मैं 5%, ठीक है, क्लियर है, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, इससे ब्याज 1 मिल रहा है 4 रुपया पे, कितने तो आप कहेंगे सर 5 वर्ष में, रेट क्या है मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे सर पता नहीं है, और बटे में 100 कर दूंगा, ठीक है, कर दिए 100, ये 100 का गुणा इधर कर दो, 100 का इधर कर दिया, ये 4 और 5 4 5 20 हो गया, 20 का भाग दे दो, आर आ गया कितना, आ गया 5, आएगा वही आंसर, आएगा वही, चाहो तो एक्स मान के कर सकते हो एक्स, ठीक है, एक्स पे एक्स बटे 4 मान के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भाई को कोई दिक्कत है जरा सी भी तकलीफ है तो मुझे बता सकता है ना कि सर नहीं आ रहा, ठीक है, और कोई तकलीफ है तो भैया नहीं बताए कि जीएफ बाबू सोना, ठीक है, उसके बारे में बताएं, ठीक है, आप इसके क्वेश्चनों के बारे में बता सकते हैं, मजा आ गया सर जी आज की क्लास में, अभी क्लास खत्म कहां हुई है मेरे भाई, है ना, चलिए चलिए क्लियर है भाई, 1 घंटा होने को है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन को पढ़ते जाएं, अपना कर्म करते जाएं, मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, बस मजा आ जाएगा, है ना, पढ़ते पढ़ाने की मतलब में सबको अच्छा लगेगा, है ना, तो बता दो मेरे भाई किसी धन का, जल्दी से आंसर आना चाहिए इसका, फिर अगले तरफ बढ़ते हैं, किसी धन का एस आई ये बोला ऐसे नहीं है, कंधे पे स्टार वाला ऐसा, ठीक है, कंधे पे स्टार लग जाएंगे अगर आप पढ़ाई ढंग से करेंगे तो, एस आई धन का 4/25 हो जाता है तो वार्षिक दर की संख्या समय के बराबर हो तो दर ज्ञात कीजिए, दर बताइए, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ पाए ना, दर बताइए, ये देखो ये छुटकू सा क्वेश्चन है और मजा आ जाएगा करने में, है ना, बताइए, हाँ भाई साहब बताइए, 4 विशाल दीपक जय, रॉकेट की तरह आंसर आना चाहिए, रॉकेट की तरह आंसर आना चाहिए, राजवीर गलत कर रहा है कुछ, ठीक है, पढ़ नहीं रहा है ढंग से, कदे पढ़ नहीं रहा भाई, ठीक है, पढ़ ले बड़े, है ना, 4 किंग का गया, इट्स थंबी स्टेटस, भूपेंद्र राजवीर फिर से 16 आ रहा है भाई साहब का, लवकुश का गया, ठीक है, चलिए धर्मेंद्र का आ गया, राजवीर कहां गलत है, चलो देखो ये क्वेश्चन देखने से तो पता चलेगा, मैंने 2 तरीके बताए और मैं बताने को 5 तरीके और 10 तरीके बता सकता हूं, ठीक है,
होते 56 तरीके मुझे भी नहीं आते, 56 तरीके मुझे भी नहीं आते अभी, है ना, लेकिन कोशिश करो कि आपको भी आ जाए भैया 5-10 तरीके से आ जाए। 4/25, 4/25 को भिन्न में लिख, भिन्न को प्रतिशत में लिखेंगे, तो प्रतिशत में ऐसे लिखते हैं 100% का गुणा करते हैं, ये 25 × 100 कितना हो गया 16%। 16% जो मिल रहा है वो किसके बराबर होता है, आर टी के बराबर है, आप जानते हैं ना अभी ब्याज जो मिल रहा है 16% वो आर टी के बराबर मिल रहा है, और आर और टी तो बराबर बराबर है, ये लो मैंने टी आर और टी बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है, आर और टी वार्षिक दर समय के बराबर है, वार्षिक दर समय के बराबर है, वार्षिक दर समय के बराबर है, तो आर और टी बराबर है, तो आर और टी बराबर है तो आर इंटू आर 16%, इसे अपन आर निकालना है मुझे, तो ए आ जाएगा अंडर रूट में 16, ठीक है, और कितना निकल जाएगा 4, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, समझ पाए नहीं समझ पाए, चलो मैं दूसरे तरीके बता देता हूं भाई साहब, इधर देखो ये 4 ब्याज मिल रहा है 25 पे, और ये r into t होता है बटे 100 होता है, होता है कि नहीं होता, ठीक है, इस 100 का इधर मार दो, 100 को लात मार के इधर भगा दो, और ये 25 को नीचे ले जाओ, और ये r into t है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है r बराबर t है, यानी समय और दर बराबर दिया है, समय और दर बराबर दिया है, तो इस t की जगह मैं r लिख दूं, क्योंकि मुझे r के अनुरूप रूप में आंसर चाहिए, तो ये देखो 25 से काट दिया 4 बार, और ये 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा r into r हो जाएगा, तो इसमें देखो क्या आएगा, आर निकालना है, ये आर इसका बराबर 16 है, तो आर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 16, यानी आर कितना हो जाएगा 4, कैसे आता है ये देखो, इसका महत्व अगर नहीं पता है तो ये जब ही बाहर निकलने देता है, ठीक है, जब शादी हो जाती है, शादी हो जाता है तो बंदा अलग हो जाता है, होता है कि नहीं होता, ये किसका दोष है किसका नहीं है ये मुझे पता नहीं है भाई साहब, तुम्हें बताना, ठीक है, ये किसका दोष है, शादी हो जाता है तो अलग रहने लगता है, मतलब ये कहता है जब एक जैसे जोड़े बन जाएंगे तभी इससे बाहर निकल लूंगा, ये कहता है कि जब एक जैसे जोड़े बन जाएंगे ना तभी बाहर निकल लूंगा, शादी हो जाएगी तभी बाहर निकल लूंगा, तो 16 को ऐसे काटो, ठीक है, ये 2 से काट दो, 8 बार 2 से काट दो, 4 बार 2 से काट दो, फिर 2 बार 2 से फिर काटा 1 बार, यानी इस 16 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, और जोड़ी का ये 2 बार कब निकलेगा जब शादी होगी, देखो एक जैसे आ गए बाहर निकल गया, एक जैसे आ गए बाहर निकल गया, ठीक है, कितना हो गया 4, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 को सर मैंने 4 × 4 लिख दिया था, ठीक है, तो 4 का एक जोड़ा बन गया 4 बार आ गए, ठीक है, ऐसे करो, समझ पा रहे हो, वर्गमूल पहाड़े वर्ग वर्गमूल सब आना चाहिए, ठीक है, कहां पर गलती हो रही है आपकी, कहां पर गलती नहीं हो रही है, चलिए हाँ, इसमें दिया था बेटा कि रेट और टाइम आर इक्वल, रेट और टाइम आर सेम, रेट और टाइम आर सेम, तो मैंने यहां पर रेट की जगह टाइम लिख दिया, आर की जगह टी लिख दिया, तो दैट्स क्लियर, ठीक है, इसमें दिया था ये एसआई, ठीक है, अमाउंट का एसआई, सॉरी एसआई पी का 4/25 टाइम्स हो जाता है, क्लियर है मेरा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए जरा भी दिक्कत है जरा भी तकलीफ है तो मुझे बताइए, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आज चैप्टर कंप्लीट करा दें, क्या कहते हो, चैप्टर कंप्लीट कराने के बारे में क्या कहते हो, है ना, देखो बने रहना पड़ेगा आपको, मैंने बताया 50 मंदे करने होंगे, ठीक है, कल अगर चाहते हो, कल अगर चाहते हो कि अगला चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो 50 मंदे तो होने चाहिए ना, ठीक है, देखो क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन है किसी, यहां पे लिखता हूं, किसी धन के 7 वर्षों और 10 वर्ष का साधारण ब्याज, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, लिख लें पहले, नोट कर लें, ब्याजों का अंतर, का अंतर 150 रुपया है, तो यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन बताइए, धन कितना है, वह धन बताइए, चलिए बता दीजिए भाई, धन 1000 आ रहा भाई का, और किसी भाई का, कहां गलती करते हैं भाई, कहां छोटी छोटी गलती हो रही है, इस पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को दो बार पढ़ लें विशाल भाई दो बार क्वेश्चन आप पढ़ें, ठीक है, 1000, ठीक है, बिल्कुल सही, बन के 1000, ठीक है, पढ़ाया क्वेश्चन जिसने पढ़ाया, देखो 2 से ज्यादा फॉर्मुले अपन किए, ये बताओ 2 से ज्यादा तीसरे फॉर्मुले का उपयोग किया नहीं, अपन नहीं किया अभी तक, तो नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे भाई साहब, अभी तक नहीं किया तो आगे भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ दिया, क्वेश्चन जिसने पढ़ना सीख गए उसे कहीं पर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चल 1000 हजरत का भी आ गया भाई, हजरत जी का आ गया 7 वर्षों में और 10 वर्षों में, ठीक है,
साधारण ब्याजों का अंतर, मतलब एक बदले को अगर तुमने 7 वर्ष के लिए दिए और एक को 10 वर्ष के दिए, ये वर्ष लिख दिए मैंने पैसा, और तुम देख रहे हो कि वर्षों का अंतर कितना है, पहले तो ये बताओ ब्याजों का अंतर कितना बना है। तो आप कहेंगे सर ब्याजों का अंतर मिला है ये 150 रुपया, कितना 150 रुपया, ठीक है। मैं कहूंगा कितनी ब्याज, कितने समय का ब्याज का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 10 में से 7 घटाए तो 3 वर्षों का अंतर है, 3 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर है 150। तो मैं कहूंगा सर 1 वर्ष में अंतर कितना है, 1 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप कहेंगे सर 150/3, तो 1 वर्ष में समय पैसे का अंतर कितना है 50 रुपया का, तो यही तो साधारण ब्याज है, कितने का 1 वर्ष का, तो आप लगा दो ऐसा ही बराबर PRT/100, यानी 1 साल में अंतर आ रहा है 50 रुपया का, और पी कितना है पता नहीं है, मालूम नहीं है आपको, रेट कितना है पता नहीं है, ठीक है, रेट 5% दिया हुआ, रेट कितना 5%, और समय कितना है 1 वर्ष, क्योंकि 1 वर्ष का निकल रहा है 1 वर्ष/100, ठीक है, ये परसेंट बता देंगे, है ना। अब देखो इस 5 का गुणा इधर कर देंगे, ठीक है, ये 100 × 50 और बटे में 5 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे केवल पी रह जाएगा, ये 50 से काट देंगे 10 बार और 10 × 100 कर देंगे 1000 हो जाएगा, पी कितना है 1000। समझ पा रहे बात को, समझ पाए या नहीं समझ पाए बताओ, मैं फिर बता देता हूँ। आपने देखा कि 7 साल में लौट रहा था एक भाई, ठीक है, मंकू 7 साल में लौट रहा था, और एक और भाई था वो 10 साल में लौट रहा था, और मैंने देखा रुपया का अंतर 150 रुपया था, एक क्वेश्चन में दिया है रुपया का अंतर 150 रुपया था, एक क्वेश्चन में दिया है आपको, है ना। और आपने देखा समय का अंतर है वो कितना है 3 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष में लौटा रहा है 150 रुपया अंतर है, तो 3 वर्ष का 150 रुपया है, तो मैंने इससे पूछा कि भाई साहब 1 वर्ष का बता दो, अगर नहीं बताएगा तो मैं 4-5 तरीके से कराऊंगा आपको, ठीक है। मैंने पूछा कि 3 वर्ष में जब 150 रुपये दे रहा है, 3 वर्ष में 150 रुपये दे रहा है, तो 1 वर्ष में कितना दे रहा होगा, तो आपने कहा 300 का भाग दे दो 150 रुपया, ठीक है। ये उसी तरह से जैसे एक समोसा अगर कितने का आ रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन 3 समोसे 150 के, तो एक समोसा कितने का आया 50 का, तो ऐसे ही 50 रुपया अगर ब्याज मिल रहा है, ₹P पे 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष में, ठीक है, सब कुछ कर दिया बटे 100, इसका इधर कर दिया और इसका इधर कर दिया, गुणा किया तो कितना गया 1000। चाहो तो आप सीधे सीधे निकाल सकते थे सर 3 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 150, आप ये कह सकते थे सर 3 वर्ष में 150 ब्याज मिल रहा है पी राशि पे 3 वर्ष में, और टी कितना है, टी आपको बता दिया 3 वर्ष, ठीक है, रेट कितना है 5/100, ऐसे कर सकते थे, ठीक है। इस 100 का गुणा इधर कर दो 100 × 150 / ठीक है, ये पी यहीं पर रहने दो और ये 3 × 5 हो गया, ठीक है, 3×5 15 से 15 कट गया ये 10 बार, और 10 × इसका गुणा कर देंगे कितना हो गया 1000। आप ऐसे भी कर रहे हो तो भाई सब सही है, ठीक है, जायज है आपका ऐसे करना, जायज है आपका ऐसे शर्माना भी जायज है, ठीक है। चलिए आप चाहो तो ये 7 साल का भी निकाल सकते हैं, जब 1 साल में 50 रुपये मिलता है 7 साल में कितना 350, तो 350 भी कर सकते हो, P × 7 साल में कितना, रेट कितना है 5/100, इसका गुणा इधर कर दो 100 × ठीक है 350 बराबर ये पी रहेगा और ये 35 का भाग दे देंगे, काट और पीटी कर देंगे 10 और 10 × ये करेंगे तो 1000, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर रहे हैं तो भाई साहब बिल्कुल सही है, आप चाहे तो ऐसे भी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, आप चाहे तो 10 साल का कर सकते हैं, 1 साल का जो 50 रुपये मिल रहा है 10 साल का 500 मिल रहा है, ठीक है, और ये कितने पे पी पे ये 50 साल 5 हो गया क्योंकि 5 × 10 साल, ठीक है, और ये बटे 100, देखो ये 5 से काट देंगे 100 बार और ये 100 से भी काट देंगे 10 × 100 10 का गुणा इधर कर देंगे 1000, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, कैसे भी कर सकते हैं, आपको करना, आपको समझना, आपको हाँ चल कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। वीडियो को लाइक शेयर दबा के करिए जिससे कि सभी भाई जो निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पेपर निकालें, पेपर निकालें, यकीन मानिए 2 महीने में आप पेपर निकाल सकते हैं, 2 महीने आप मुझे दो तो सही सिद्धत से, तो दो भाई का पेपर आपका निकल जाएगा, 2 महीने में पेपर निकल जाएगा भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, समझ पाए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बताइए मुझे, कोई दिक्कत है तुम्हारा अपना याद हो जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। क्वेश्चन है एक धन का 4% 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपया कम है, 400 रुपया कम है, तो वह धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए,
ऑप्शन आपको दिए मेरे भाई 500, 5000, 1000 या फिर 10000। चलिए हटा सावन की घटा, 5 के विशाल सिंह का बिल्कुल सही है भाई साहब, विशाल जी का बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ मुकेश धाकड़ जी, यस गुरु जी, चलिए समझ पा रहे हैं, बातों को धीरे धीरे समझते चलिए बिना किसी फॉर्मूले के, यानी दो फॉर्मूले इसमें पूरे चैप्टर में करना है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। 500 ये जीरो खा जाता है भाई साहब, ये जीरो खाने वाला व्यक्ति है दीपक वर्मा जी, दीपक वर्मा जी जीरो को खा जाते हैं। हाँ अब लग गई भाई साहब, ऐप ऐप तो मैंने ऑप्शन में दी भाई साहब, ऐप तो ऑप्शन में नहीं दिया, ये कौन से भाई साहब है किंग विलेज। पांच देखो ये धनराशि में रेट दिया आपको आर दिया है 4%, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़ते चले, कोई एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज, ठीक है। मैंने देखा कि समय एक बार टाइम 3 वर्ष दिया था T1 और एक बार टाइम T2 यानी 5 वर्ष दिया था, ठीक है। मैंने देखा समय का अंतर कितना है तो 2 का और रुपया का अंतर कितना है 400 का, यानी 2 साल में 400 रुपये मिल रहा है, 2 साल का ब्याज मिल रहा है 400। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं 1 साल का कितना मिल रहा है तो 200 कर सकते हैं भाई साहब, क्योंकि 2 का भाग दिया। अब 200 ब्याज मिल रहा है 1 साल में P रुपया पे, ठीक है। और कितना आपको रेट कितने दिए 4 और 1 साल में बटे 100, देखो काट दो इससे काटेंगे भाई साहब कितना 25 बार कट जाएगा और 25 और इसका गुणा कर देंगे 25 इंटू 200 कर देंगे बराबर P हो जाएगा। P कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 होता है, 2 जीरो छुप जाएंगे, 50 के पीछे 2 जीरो छुप जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं बताई मुझे यहाँ तक, क्लियर है ना। आप चाहो तो 5-6 तरीके से कर सकते हो, किसी भी तरीके से करिए आपको बनेगा, किसी भी तरीके से करिए आपको बनेगा। देखो ये 2 साल में 400 मिल रहा है तो ऐसे कर सकते हैं, कितना 400 रुपये ब्याज मिल रहा है कितने पे P राशि पे 2 साल में कितनी रेट से, तो आप कहेंगे सर 4 रेट से, ये रेट कहां से मालूम भाई साहब, तो ये क्वेश्चन में दिया है बटे 100, इससे भी करेंगे काटापीटी करेंगे, ये देखो इसका बड़ा इधर कर दूंगा, ठीक है। ये 100 × 400 बटे 2 × 4 बराबर पी, देखो 400 से काट दिए 100 बार कट गया और ये 100 से काट दिए 50 बार और 50 × 5 कर दिया, 5 के पीछे 3 जीरो, 5 के पीछे 3 जीरो कितना आना वही आंसर है, आना वही आंसर है, ठीक है। देवेश कहां से है भाई, चल आ गया भाई समझ आ गया, इधर देखो इससे भी वही किया 400 भी मिला, ये 200 में मिला, अगर 2 साल में 400 है, 2 साल में 400 मिला है तो 1 साल में 200 और 200 मैंने ये ब्याज पर ऐसा ही बराबर PRT/100 भाई साहब, एक ही तो फॉर्मूला बता रहा हूं, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, टी आपको दिया नहीं, ठीक है, टी दिया नहीं 1 साल, ये ब्याज कितने का 200, 200 कितने का ब्याज है 1 साल का, 200 कितने का ब्याज है 1 साल का भाई साहब, तो वही तो आपने किया है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को करेंगे बस, ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्लियर है। बताइए पूरा चैप्टर निपटवा दें, पूरा चैप्टर निपटवा दें या फिर बताइए कमेंट्स कर दो एक बार, पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दें या फिर उब गए हो। बताइए पूरा चैप्टर निपटवाएं, आज ही कंप्लीट करवाएं, पूरा करा दो, निपटवा दो। यस धर्मेंद्र विशाल, इट्स थंबी स्टेटस, तबाही तबाही कर रहा भाई ये, ओके सर करवा दो। और रॉकी सर 50, सर आई एम राजू, ओ भाई साहब ये तो पोम्पी राजू है, पोम्पी राजू है भाई साहब, राजू पोम्पी, राजू मेरा एक अच्छा दोस्त है भाई साहब, राजू मेरा अच्छा दोस्त है, राजकुमार है वैसे तो, लेकिन राजू राजू मैं कहता हूँ उसे, ठीक है, राज भी कहता हूँ भाई साहब से, ठीक है राजू। हाँ क्वेश्चन लिखिए भाई साहब, लिखिए क्वेश्चन, किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपया है, तो वह
धन ज्ञात कीजिए, वह धन ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, थोड़ा सा पढ़ेंगे और आ जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो भाई साहब नहीं आएगा। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा और पढ़ लेंगे तो आ जाएगा भाई साहब, कोई रोकने वाला नहीं है आपको, है ना, कोई रोकने वाला नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना ही सब कुछ है भाई साहब, क्वेश्चन पढ़ना ही सब कुछ है। आई रिपीट माय आंसर, दो ऑप्शन देते हैं तुम्हें, है ना, ऑप्शन की वेट कर रहा हूं। 500, ठीक है, पहला ऑप्शन 500 दिया, 4500, ठीक है, 1500 या नॉट ऑफ नॉट किंग सर, ऑप्शन बेटा, ऑप्शन दे तो दिए आपको, बताओ पढ़ाओ। हाँ चलिए, नहीं आया, किसी का आया 500 आ गया, किस किस का 1500, बट आई एम नॉट श्योर। भैया क्वेश्चन पढ़ दो हजरत भाई, पेपर निकलेगा 100% 100% लिख के ले जाना, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो भी दो, तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पढ़ दो क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट पढ़ दो, आप बताइए क्या। चलिए क्वेश्चन पढ़ लो भैया, इधर देखो, किसी धन के 6% वार्षिक दर से, मतलब रेट तो दिया है आपको, रेट है 6% और 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग क्या दिया है भाई साहब, योग, और यह योग क्या होता है, जोड़, योग यानी जोड़। तो भैया 3 साल में और 6 साल में, अगर मैं एक भाई को दे रहा हूं 3 साल के लिए, ध्यान रखना ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, पेपर में पेन भी नहीं उठाओगे और कर लोगे, 3 साल के लिए एक इंसान को दे रहा हूं ए वाले को, और 6 साल के लिए एक को दे रहा हूं, और रेट दोनों को एक ही है, रेट दोनों में एक ही लग रही है, तो भैया एक को ही दे दूंगा अगर 9 साल के लिए, 3 साल के लिए और 6 साल के लिए, हो कितने गए 9 साल के लिए, हो गए 9 साल, हो गए ना, तो 9 साल का ब्याज मिल रहा है, 9 साल का ब्याज कितना मिल रहा है, ये 270, 9 साल का ब्याज मिल रहा है 270, 9 साल का ब्याज मिल रहा है 270। तो मैं 1 साल का पूछने वाला हूं, 1 साल का कितना मिल रहा है, 330 रुपये, 1 साल का जब 30 रुपये मिलेगा और रेट आपके पास दिया है 6%, पी पता नहीं है और ये 1 साल का है, बटे 100 करेंगे ना भाई साहब, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं आता। ये देखो 100 को इधर पहुंचा दो × 30 बराबर पी × 6, ठीक है, या तो 6 को भाग लगा दो बेटा, 6 को ये नीचे ले आते हैं, 6 से काट देंगे, 6×5 = 30 और 5 और 100 का गुणा कर देंगे 500, कितना हो जाएगा भाई साहब 500, नहीं आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं भाई। कॉम्पिटेंस एक बड़ी चीज होती है, कॉम्पिटेंस एक बड़ी चीज होती है, ये कॉम्पिटेंस लाना है आपके अंदर, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंस कैसे आएगा, क्वेश्चन पढ़ने से, क्वेश्चन को पढ़ते रहे बिना फॉर्मूले के मैथ करेंगे यार, मैंने कह दिया ठीक है, यूं ही नहीं निकाले 28+ एग्जाम, ठीक है 28+ एग्जाम यूं ही नहीं निकाले, ठीक है, केवल कॉम्पिटेंस लाना है आपको। 5000 नहीं होगा रॉकी सर, रुपये 500 नहीं बेटा, रॉकी जी कहां गलती कर रहा है ये देख लो भाई साहब, है ना, कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे, इसको इसमें से घटा रहे हैं, इसको इसमें से घटा तो नहीं रहे, है ना, 500 आएगा, आ गया ना समझ, नहीं आया समझ तो मैं फिर से बता देता हूँ, इधर देखो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ, समझ में आएगा, टेंशन नहीं, इधर देखो भाई साहब रुपया मुझे पता नहीं है, रुपया मुझे पता नहीं है, ठीक है, कि पी रुपए थे और एक को दिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, यही है 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से, ये पी आई टी अपन 100 लगा रहा हूँ बटे 100 प्लस ये परसेंट लगा दिया, ठीक है, और एक और को दिए पी रुपया ही दिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से और 6 वर्ष के लिए, ठीक है बटे 100। अब मैंने देखा और ये पूरा ब्याज कितना मिला है 270, ऐसे भी कर सकते भाई साहब, ये क्वेश्चन को करने के 28 तरीके होते हैं, आपको कौन सा तरीका आता है, ठीक है 56 तरीके होते हैं, ये देखो ये देखा आपने, और ये जोड़ क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहां पर योग बोल रहा था, ठीक है, ये देखो अब मैंने 100 कॉमन ले लिया, ये P प्लस 18 हो जाएगा 36 18 और ये 36 हो जाएगा, 18 और 36 कितना हो जाएगा 54 होगा कि नहीं होगा 56 54 P बराबर 270, ठीक है P निकालना है आपको, तो ये 270 × 100 हो जाएगा, दिख रहा है, और ये बटे में 54 कहाँ पहुंच जाएगा नीचे, 27 × 54 होता है आपको पता है, दो बार कट जाएगा ये 10 रह गए, 10 को काट दिया 5वां और 5 और 100 का कर दिया 50वां, 500 कितना हो जाएगा 500। हाँ मेरा गलत, चलिए कोई नहीं कोई नहीं, गलत तो होती रहती है, गलत है मतलब ये है कि गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है गलतियों को सुधारो, केवल दो फॉर्मूले आपको किसी भी चैप्टर में, ठीक है
एक या दो फॉर्मूले अपन बताएंगे, उनसे पूरा चैप्टर करेंगे, पूरा चैप्टर उनसे करेंगे भाई साहब, ठीक है, क्योंकि मैं फॉर्मूले के खिलाफ हूँ। फॉर्मूले क्या है, एक बच्चों को बेवकूफ बनाने की कला है फॉर्मूला, ठीक है, बच्चों को बेवकूफ नहीं बनाना, उसे सिखाओ, दैनिक जीवन में भी सीखना आना चाहिए ना, दैनिक जीवन में भी सीखना आना चाहिए। तो इस तरह से अपन फॉर्मूले को अवॉइड करेंगे भाई साहब, फॉर्मूले करने के लिए इसमें भी कर सकते थे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे अपने आप आएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए भाई, कोई धन साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, क्वेश्चन को पढ़ना ही सब कुछ है, ब्याज की दर पर तीन वर्ष में 575 तथा, तीन वर्ष में 575 से लिख देता हूं, 575 तथा पांच वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ये दर है भाई साहब, दर ज्ञात कीजिए। मैं ऑप्शन लिख लेता हूं, 5%, 10%, 6% या 9%, समझ पा रहे ना भाई, पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में आप सभी का स्वागत है। जितने भाई भी देख रहे हैं ना, एक बार फटाफट शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा शेयर करेंगे भाई साहब तो ज्यादा क्लास होंगी, लंबी लंबी क्लास होंगी, बड़ी बड़ी क्लास होंगी, है ना, पढ़ने में भी मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में। चलो क्वेश्चन को पढ़ें, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर तीन वर्ष में इतना हो जाता है और पांच वर्ष में इतना हो जाता है। अब ये हो जाता है मतलब क्या है, तो ब्याज की दर बताइए, 1500 ब्याज की दर, ये क्या पूछा है इसमें, ब्याज की दर पूछा है और ब्याज की दर तो इतना आना चाहिए। हृदय धाकर जी इसीपुरी से, चलिए बेटा शेयर करो, ऐप भी व्हाट्सएप हर जगह शेयर होना चाहिए आपका, है ना, 5% बिल्कुल सही। कैसे आया ये खुद को बताओ, दैनिक जीवन में लेके जाओ, अंगूठा छाप से भी पूछोगे ना, उसने रुपए दिए होंगे तो वो बताया इतने रुपये इतने की दर से ले रहा हूं, क्या है। चलिए कल भी आपकी क्लास होगी मेरे भाई, कल भी क्लास होगी, लंबी क्लास होगी, बड़ी क्लास होगी, टेंशन नहीं लेना है, हर दिन क्लास होती है, पिछले दो दिन से क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए क्षमा चाहूंगा सभी से, सभी भाइयों से। चलिए तुम्हारा अपना, हाँ जी बेटा आ गया 5, कोई दिक्कत तो नहीं, इधर देखो अपने कुछ नहीं करना भैया, मैंने देखा यार कोई धन साधारण ब्याज की दर से दिया, साधारण ब्याज की दर से दिया तीन वर्ष में, तो भाई साहब इतना हो जाता है, तीन वर्ष में तो भाई साहब 575 हो गया, ठीक है, और पांच वर्ष में भाई साहब कितना हो गया, 625 रुपये हो गए। तो मैंने देखा यार 2 साल में कितना बढ़ गया, ये 5 में से 3 घटा दिया, 2 वर्ष का अंतर है ना, 5 में से 3 घटा दिया, 2 वर्ष का अंतर है। आप कहां पढ़ाते हैं भाई साहब, सीपीए में पढ़ाते हैं, इधर देखो 5 में से 3 घटाया तो 2 वर्ष का अंतर है, और इधर रुपया में से रुपया घटाया तो कितने रुपये का अंतर है, 625 में से ये घटाना आता है ना भाई साहब, 625 में से 575 घटा दो, कितने का अंतर है, 50 रुपये का अंतर है, 50 रुपये का। तो मैं कहूंगा यार 2 वर्ष में 50 रुपये ब्याज मिल रहा है, 2 वर्ष में 50 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो मैं ये देखूंगा 3 वर्ष में कितना मिला होगा, क्योंकि 3 साल बाद इतने हो रहे हैं ना, 3 वर्ष में कितने मिलेगा, तो मैं 2 वर्ष में अगर 50 रुपये ब्याज मिलेंगे तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 50 × 25, और मुझे तो 3 वर्ष में हो रहा है 575, 3 वर्ष में कितना मिलेगा, 3 × 25 यानी 75 रुपये। तो मैंने देख लिया 575 में से 75 रुपये जो ब्याज मिले थे वो घटा दिया, कितना हो गया 500 मूलधन हो गया, क्योंकि ये अमाउंट में से अपन ऐसा ही घटाते हैं, अमाउंट में से ऐसा ही घटाते हैं, ये दूसरा फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, अमाउंट में से ऐसा ही घटाते हैं, यही चला दूसरा फॉर्मूला, ए बराबर पी प्लस एस है, पी निकालना था अपन को, ये पी निकल गया, पी कितना है 500, अमाउंट में से ऐसा ही घटा दिया तो पी मिल गया, पी 500 है, अब लगा दो ऐसा ही बराबर PRT upon 100। इधर देखो ऐसा ही कितना है, ऐसा ही अपना कितने साल का देखे, तो ये 2 साल का भी 3 साल का भी जो आपको मर्जी करना है, 1 साल कर दो, 1 साल का ऐसा ही कितना है 25 रुपये, तो ऐसा ही जगह 25 लिख देता, ठीक है, पी कितना है 500 रुपये, ठीक है, आर कितना है, आर क्या दिया है नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है, टी कितना है 1 वर्ष, क्योंकि 1 साल का ही 25 रुपये 1 साल का मिल रहा है, तो यहाँ पे जो रखना है 25, तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा, 50 रखता तो 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल का पैसा, ठीक है, बटे 100, ये देखो 2 0 से 2 0 आर बराबर यहाँ पे बच गया, दिख रहा है ना, आर बच गया, और ये यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 25, तो 25 × 5 कितना हो गया 5, आर क्या है रेट हमेशा 5%, हमेशा नहीं रेट हमेशा प्रतिशत में आती है, कोई दिक्कत किसी भाई को, कोई दिक्कत समस्या तकलीफ बताइए।
दिक्कत है मुझे बताइए, अभी समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ओके 5% संजय कुशवाहा जी, चलिए संजय जी जुड़ गए हमसे, चलिए आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं बताइए यहाँ तक, नहीं है ना, आगे बढ़े। देखो फिर से समझ लो, देखो 2 साल का ब्याज 50 है तो मैं तो 3 साल का देखना चाहता हूँ, आप चाहो तो 5 साल का भी देख सकते हो, 5 साल का कितना हो जाता, 1 साल का 25 तो 5 साल का 125 घटा दो तो भी 500 मूलधन आता, मूलधन देखना है। देखो आपको इस पूरे चैप्टर में मूलधन निकालना चाहिए कैसे करके, ब्याज निकालना चाहिए कैसे करके, ठीक है, रेट कितना पता करना है, समय कैसे पता करते हैं, ठीक है, और अमाउंट क्या दिया हुआ है ये आना चाहिए, और इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है, आ जाएगा, है ना। आगे क्वेश्चन को पढ़ना आना है और कुछ नहीं है, हटा दें। करने के लिए आप 2-3 तरीके और कर सकते हैं, क्वेश्चन लिखिए। हाँ क्वेश्चन है आपका ब्याज की किस दर पर, ठीक है, क्या पूछा है ये आप इससे क्वेश्चन से पूछेंगे, मुझसे नहीं पूछेंगे, ब्याज की किस दर पर, किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाता है, ठीक है, 992 रुपया हो जाता है या हो जाएगा, बताइए क्या पूछा भाई साहब, तो इससे पूछो क्वेश्चन से, मुझसे मत पूछो, क्वेश्चन से पूछो, क्योंकि क्वेश्चन से पूछ लिया तो भाई साहब जिंदगी भर रहेगा, क्वेश्चन से पूछ लिया तो जिंदगी भर रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के आया वो आंसर ऐसे नहीं देता कि ऐसे आंसर दे किसी को भी, क्वेश्चन को पढ़ोगे तब आपने पता चलेगा ब्याज की किस दर पर, भैया किस दर पर तो बता दो, आर दर पर, तुम तो कह दो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 4 वर्ष में हो जाता है 928 रुपया, ई क्या दिया है, ई मिश्र धन दिया है, अमाउंट दिया है, 4 वर्ष में तो हो जाता है 928, 6 वर्ष में कितना हो जाता, तो आप कहेंगे सर 6 वर्ष में हो जाता 992 रुपया, यहां तक कोई दिक्कत, मुकेश ठाकुर जी चलिए नो सर, देखो ये कितना 4 वर्ष में 928 रुपया हो गया था, 6 वर्ष में 992 रुपया हो गया, मैं देखूंगा कितने साल का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 2 साल का अंतर है, तो 4 से 2 6 है, 2 साल का अंतर है, तो मैं ये पूछूंगा कितने रुपया का अंतर है, तो आप कहेंगे सर इसमें से घटा दो, कितना आ रहा है भाई सर बताइए, कितना आ रहा है 64 ही आ रहा है ना, इसमें से इसे घटाना, ठीक है, ये देखो 928 घटाएंगे तो ये कितना बच रहा है, 12 में से 4 6 घटाएंगे तो सॉरी 8 घटाएंगे 4, ठीक है, और ये 3 बच गया 664, यानी 2 साल में 64 रुपया मिल रहा है ब्याज, तो 1 साल में कितना मिलेगा आप ये कह सकते हो, 1 साल में कितना मिलेगा, ठीक है, 1 साल में 32 रुपया मिलेगा, क्लियर है, जब 2 साल में 64 मिल रहा है 1 साल में 32 मिलेगा, लेकिन आप तो 4 साल का निकालो, पहले 4 साल का निकालो, तो 4 साल में कितना मिल जाएगा, तो 2 साल में जब 264 मिल रहा है तो 4 साल में कितना निकल जाएगा, ये देखो 2 साल में 64, तो 4 साल में 2 का गुणा इधर कर दिया 2 का इधर, कितना हो गया 128 रुपया, लेकिन ये 128 रुपया नहीं थे, ये तो 928 रुपया तो अमाउंट था, अमाउंट बराबर पी प्लस एस आई, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ये 4 साल का अपन को अमाउंट दिया, 4 साल का अपन को अमाउंट दिया, 4 साल का प्रिंसिपल कितना था पता नहीं है, लेकिन ऐसा ही दिया 4 साल का 128, तो 128 को घटा देंगे, पी बराबर कितना आएगा भाई साहब, तो पी बराबर आएगा 800, क्योंकि 928 में से 128 घटा दिए तो 800 हो गया, ठीक है, अब कुछ नहीं करना भाई साहब, 1 साल का आपको ब्याज पता है, 1 साल का ब्याज कितना है 32 रुपया, और मूलधन कितना है 800 रुपया, दर कितनी है पता नहीं है, समय कितना है 1 वर्ष/100, ये देखो 2 से 2 0, आर यहाँ पर बच गया क्या, क्योंकि इसका गुणा इसमें किया 8 बच गया, ठीक है, और ये 32/8, 8 × 32 4%, कोई दिक्कत परेशान है, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हैं कि 2 साल का ब्याज निकाल सकते हैं, कि 2 साल का ब्याज सर 64 था मेरे पास और 800 रुपया थे, आप तो इससे करोगे बताओ, ये देखो तो इससे कर लो भाई साहब, ये देखो ये आर पता नहीं है 100, ठीक है, ये देखो 2 0 2 0 आर बराबर यहाँ पर रह गया 64/8, ये 8 × 16 जाएगा, 16 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, ठीक है, आप तो इससे कर सकते हैं, ये 4 साल का निकाल के 4 साल का 128 था, तो 128 से 800 निकाल सकते थे, इंटू 4 कर सकते थे, ठीक है, बटे पता नहीं है हमें समय, ठीक है, रेट पता नहीं है, बटे 100 832 हो जाएगा, 32 का भाग इसमें दे दे तो 4 आ जाता, ठीक है, आप चाहो तो इससे कर सकते थे 6 साल का, आज मैं तीनों न्यू स्टूडेंट, चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, ठीक है, हाजिर थी, समझ पाए ना, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, देखो पढ़ने पढ़ाने के लिए केवल आपको क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, जितनी भी आपके पास थिंक है, सोचने की क्षमता है, वो सब क्वेश्चन पे नोट लीजिए, ठीक है, ये देखो ये आप या तो खुद समझ लीजिए या फिर उस भाई से समझ लो जो 4-5 साल से कॉम्पिटिशन कर रहा है, वो आपसे कहेगा सर कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में, संजय कुशवाहा, दीपक कुमार, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, चल बता रहे एक और क्वेश्चन लिखते हैं अगला, ठीक है, हजरत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, लिखिए क्वेश्चन,
कोई धन, कोई धन 5% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा, 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा, कितने रुपए हो जाएगा। सभी फॉर्मूले, दुनिया के जितने भी फॉर्मूले ना, सब आपको आ जाएंगे भाई साहब, सब्र रखिएगा, सब आपको आ जाएंगे, है ना, सब आपको आने वाले हैं। और बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, सब कुछ आप कर लेंगे, है ना, बहुत इजी कंसेप्ट है, आप 8 से 10 तरीके से कर सकते हैं इसे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, वो एक बार और, जय महाकाल, जय महाकाल भाई। चले महाकाल का नाम भी, कल से जीएस की क्लास भी आपके लिए हो जाएंगे मेरे भाई, जीएस की क्लास भी आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी, है ना, तो सब्र रखिए भाई साहब, सब कुछ आएगा, है ना। प्लीज सर एक्सप्लेन इन इंग्लिश, हाँ भाई साहब इंग्लिश ही तो कमजोर है भाई साहब, ठीक है, कुछ नहीं है। इफ एनी अमाउंट 5% रेट एट 6 ईयर्स 9.15, देन 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी 8 साल में कितना हो जाएगा, आफ्टर 8 वर्ष कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन दिया है। टूटी फूटी इंग्लिश आती है ना भाई, बंसी वाले की जय, प्लीज सर एक्सप्लेन इंग्लिश, ऐसा इंग्लिश के बारे में मत खराब करो, है ना, आ गया ना समझ में, क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए कितना आ रहा है, 1500 2100, हाँ भाई ठीक है, 2100 आ रहा है, ठीक है, और किसी भाई का, आप कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता, सर को परेशान मत करो इंग्लिश वाले, चलिए नहीं कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश से भी, ठीक है, इधर देखो, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों में 950 हो जाता है, तो मैं देखूंगा यार 5 की दर ले रहा है, ब्याज तो ऐसे निकालते हैं ना अपन, ब्याज अभी मैंने बताया था R into T करके, मतलब दर और समय का गुणा करके ब्याज निकलता है, तो मैं ये देखूंगा ब्याज कितना निकल रहा है, ये आर की जगह 5 रख दिया परसेंट, और ये टी की जगह कितना रख दिया 6, मैं 4-5 तरीके आपको बताने वाला हूँ सब, ठीक है, ये 6 बजे कितना हो जाएगा 30%, मतलब 30% पड़ गया। अगर आप धनराशि 100% देते हैं, यानी मूलधन को 100% मानते हैं, मूलधन को 100% मानते हैं, तो ब्याज मिल गया आपको 30%, मतलब हो कितना गया, अगर 100 रुपया में 30% ब्याज मिल गया तो 130 हो गया। अब भैया 130% हो गया, मैं 2-3 तरीके और समझाऊंगा, 130% हो गया, और आपको कितना बताया 8 वर्ष बताना है, और रेट कितना है, रेट तो वही है 5 की दर से 8 वर्ष में, तो कितना चाहिए आपको 40%, यानी 100 से 140 चाहिए, तो 140 आपको चाहिए, और 130% कितना दिया है 1950, और ये कितना है x, परसेंट से परसेंट काटो, सबसे परसेंट से परसेंट करो, 0 से 0 काटो भाई साहब, ठीक है, ये x निकालना है, तो x को इधर ले जाओ, समझ पा रहे हो, दिख रहा है ना, और ये 1950 बटे में ये 13 नीचे आएगा, ये 14 इधर बन जाएगा, ठीक है, देखो 13 से काटना आना चाहिए, 13 एकम 13 13 65, ठीक है, 10 बढ़ गए, ये 100 150 और 150 × 14 कर देंगे, 150 × 14 कर देंगे भाई साहब, ठीक है, 14 का पारा आता है तो बता दो, नहीं आता तो 210 और 10 बढ़ा दें, समझ गए, कर दिया, सर को क्या परेशान कर रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर देखिए, समझ पाए, देखो फिर से मैं बताया था, मैंने ये बताया था ब्याज दर और रेट के गुणनफल के बराबर होता है, ब्याज दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है, तो दर दिया 5 और समय दिया 6, 6 × 5 = 30, 30% बढ़ गया, अगर 100 रुपए दिए होते तो 30% यानी 130 हो जाता, तो मैंने ये किया, 130% कितना है इतना, लेकिन अपन को चाहिए क्या 8 वर्ष में, तो अगर 5 की दर से 8 वर्ष में कितना 40% बढ़ेगा, यानी 140% हो जाएगा, और 140% कितना हो जाएगा, ये 130% 1950 के बराबर है, ये एक्स के बराबर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू अपन ने निकाल ली, ठीक है, ये तो हुआ बहुत सबसे अच्छा तरीका, है ना सर, बन समझ, देखो मैंने केवल इतना कहा 5% की दर से 6 वर्ष में, तो मैं ये कहूंगा 5% की दर से अगर 6 वर्ष के लिए दिए हैं तो 30% बढ़ जाएगा, 6 × 5 = 30% बढ़ जाएगा, अगर 100% उसने दिए होते, दिया है उसने 100% दिए हैं तो 100% दिए होते और 30% बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है 130% हो रहा है, कितना बढ़ रहा है भाई साहब, समझ पाए, 6 × 5 = 30% बढ़ रहा है, 130% हो रहा है, अब 130% हो रहा है, और ये 130% किसके बराबर है 1950 के बराबर है, लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको तो ये 8 वर्ष में निकालना है, अगर 5 की दर से 8% में कितना
कितना रहेगा 40% रहेगा, यानी 100 से कितना हो जाएगा 40% ज्यादा है, 140% हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंट से परसेंट काट देंगे, ये बराबर में लग जाता और ये x पे ही हो जाएंगे मान लो। देखो परसेंट से परसेंट काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया, x निकालना है तो x को इधर ले जाएंगे बराबर 1950/13 और इंटू 14 काटा पीटी करेंगे, ये एक और ये पांच, ठीक है जीरो, और इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 210, यानी एक जीरो हो जाता है। ठीक है, समझ पाया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से बता देता हूँ, ये सबसे सिंपल तरीका, इजी वे था, इसे रेशो वाला तरीका कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशो वाला तरीका या प्रतिशत वाला तरीका कहते हैं भाई साहब, प्रतिशत वाला तरीका या रेशो वाला तरीका। रिंकी दीदी क्या है बेटा, आ गए ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। इसी क्वेश्चन को अपन एक और तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इधर ये अमाउंट दिया है 1950 अमाउंट है। ठीक है, पी क्या है, एसआई क्या है मुझे पता नहीं, पी क्या है, एसआई क्या है मुझे पता नहीं। देखो ढंग से समझा भाई, सर जी पल्ले नहीं पड़ रही है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ फिर से, है ना बेटा, फिर से बता रहा हूँ। देखो 1950 क्या है, रुपये मिल रहे हैं तुम्हें, 1950 क्या है, अमाउंट है, 1950 रुपये हो जाते हैं, ये अमाउंट दिया है, पी क्या है, एसआई क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एसआई निकालने की कोशिश करूंगा, एसआई क्या है, तो भाई साहब एसआई ऐसे निकालते हैं, PRT/100 ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आर की जगह रखते हैं, आर की जगह रखते हैं 5% और समय की जगह 6/100 ऐसे ही करते हैं ना भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं और तरीके बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत ख्याल है ना, आप लोगों की दुआओं से। ठीक है, एस आई और ये पी को नीचे ले जाओ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 6×5=30 हो जाएगा, चार तो काट दो, ये काट दो, देखो कितना कट जाएगा, ये कट गया आपका, ये 20 बार कट गया 5 से, और ये हो गया 6/20। अभी भी रुके नहीं आप, और काट दो भाई साहब, 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 10 बार। ठीक है, अगर एस आई 3 है और पी 10 है, एस आई 3 है पी 10 है, तो ये हो गया टोटल कितना हो गया, आप जानते हैं पी प्लस एस आई, ये पी की जगह ऐसे लिख सकते हैं, एस आई बराबर लिख सकते हैं 3, एस आई की जगह 3x है तो एक्स एक्स का गुणा कर दो। ठीक है, एस आई की जगह क्या लिख दूं 3x और पी की जगह क्या लिख दूं 10x, एस आई की जगह 3x लिख दिया, पी की जगह 10x लिख दिया, तो यहां पर रख दो ये समीकरण फर्स्ट पर, रख दो ये समीकरण फर्स्ट में रख दो। ठीक है, 1950 बराबर पी की जगह रख दिया कितना भाई साहब, पी की जगह रख दिया 10x और एस आई की जगह लिख दिया 3x। अभी समझिए भाई साहब, अभी बिल्कुल समझ में आने वाला है, पूरा समझ में आ जाएगा, है ना, ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 13x, 13x बराबर 1950। मैं तो x की वैल्यू निकालूं तो x यहां पर आ जाएगा, 13 का भाग दे देंगे इसमें, 13 का भाग देंगे 1950 में, ऐसे देते हैं 13 × 13 एक बार गया 5 बच रहा है, सॉरी 6 और 13×5=65। ठीक है, इतनी बार चलाएगा, कितनी बार, ये 150 बार चल जाएगा, 150 बार, x बराबर 150 आ गया, एक्स 150 आ गया, तो आप मुझे बताइए भाई साहब, एक्स अगर 150 है तो मैं तो प्रिंसिपल निकाल रहा हूं, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना था, तो मूलधन 10×x था, यानी 150, तो कितना हो गया 1500 रुपये मूलधन था, 1500 रुपये मूलधन था, 1500 रुपये मूलधन था, और ब्याज हो रहा है कितना 1950, अगर 1950 अमाउंट हो रहा है, मिश्रण हो रहा है, तो इसमें से 1500 घटा दूंगा तो कितना ब्याज मिल रहा है 450 ब्याज किसका मिल रहा है। ठीक है, 450 ब्याज मिला है, लेकिन मुझे तो 8 वर्ष का ब्याज देखना है, 8 वर्ष का ब्याज देखना है, तो भैया ये 8 वर्ष का ब्याज देखना है अपन को, तो ये मूलधन आपको पता है, मूलधन कितना आपको पता चल गया 1500, कैसे पता चला, इससे पता चला, यहां पर रख दिया मैंने ये वाली वैल्यू जो निकल के आई थी x की, x की वैल्यू यहां पर रख दी प्रिंसिपल में। ठीक है, ये 1500 रुपया पे 8 वर्ष के लिए, और रेट तो भैया 5% 5% / 100 कितना ब्याज निकलेगा ये बताओ मुझे। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कर दे, ये 15×40 5×40×15 गुणा करिए कितना आ जाएगा, ये 600 रुपया आ जाएगा, 600 रुपया मिल रहा है 8 साल का, 8 साल का ऐसा ही मिल रहा है 600 रुपया, लेकिन आपको तो अमाउंट बताना है कितने रुपए हो जाएगा, कितने रुपए हो जाएगा, तो भैया 1500 रुपये तो पहले ही था और 600 रुपये और मिल गया तो कितना हो गया, ये 2100 रुपये हो गया, 2100 रुपये हो गया, समझ गए, इतना बड़ा धंधा था, लेकिन मैंने आसान शब्दों में बताया था आपको। ठीक है, नहीं आया समझ में बताइए, फिर से बताइए, नहीं आया समझ में तो मैं फिर से बताता हूँ ना, बताइए भाई समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे, है ना। देखो जितने तरीके आप जानोगे ना भाई साहब, जितने आप तरीके जानोगे ना भाई, उतना आप स्ट्रांग होते चलेंगे। ठीक है, उतने स्ट्रांग चलेंगे। देखो मेरे गांव में है गोधन भाई साहब, ठीक है, और गोधन भाई साहब के समोसे मुझे ऐसे लगते थे जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था ना, तो ऐसे लगते थे पता नहीं जन्नत है, गोधन भाई साहब के समोसे खा लिए गोधन के होटल के, तो मजा आ जाता था।
ठीक है। लेकिन आज यहां पर देखता हूं कि बहुत बहुत और अच्छे अच्छे समोसे मिलते हैं, तो सभी के समोसे खाओ और फिर देखो बेस्ट कौन है। फिर भी अपन क्या करते हैं, रोटी में पोंगा बनाया, बचपन में ये करते थे ना, रोटी में पोंगा बनाया और शक्कर रखी उसमें और उसी को काट के खाते थे, उसी को क्रीम रोल कहते हैं। ये रोल जो आता है ना वो वही तो है, रोटी में थोड़ी सी क्या चाउमीन वगैरह भर देते हैं वो रोल हो जाता है। तो सभी तरीके जानो, सभी तरीके जानोगे तो मैथ में कोई रोकने वाला नहीं है। कमेंट्स नहीं आ रहे आपके, है ना, मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इधर देखो, ये मैंने देखा कि 1950 रुपये मिल रहा है, 1950 क्या है अमाउंट है, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, ए बराबर ए पी प्लस ऐसा है, ए की जगह ए लिख दिया, पी की जगह पता नहीं है, ऐसा की जगह पता नहीं है। लेकिन मैंने फिर से देखा कि एस आई का फॉर्मूला ही होता है, एस आई बराबर पी आर टी 100, पी की जगह दिया हुआ है 5, आर की जगह दिया हुआ है 6, और इतने समय में ये 100, ठीक है। मैंने यहां से एस आई और पी का रेशियो निकाल दिया, एस आई और पी का रेशियो निकाल दिया, ये लात मार पा गया। इधर देखो, एस आई कितना हो गया 3x और पी कितना हो गया 10x, मैंने 10x देखा और ई वैल्यू 3x और 10x यहां पर रख दिए, इसकी जगह 10x, इसकी जगह 3x ये रख दिया, तो कितना हो गया, ये देखो ये रख दिया 13x हो गया, 13x बराबर इतना, तो x बराबर निकाला 150, x निकाला तो x की वैल्यू फिर यहां से रखी p पे, कि मूलधन कितना था, तो आप कहेंगे 10 into, ये देखो मैं यहां पर करता हूं, 10 into 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500, यानी आपका जो ब्याज आपका जो मूलधन था वो 1500 रुपए था। अब 1500 रुपए ये मूलधन था तो आपको क्या निकालना था, 1500 रुपए ये मूलधन पे 8 वर्ष के लिए निकालना है, 8 वर्ष के लिए कितनी दर से, 5 की दर से बटे 100, ठीक है, बराबर ऐसा ही क्या है, ऐसा ही तो निकलेगा, ऐसे ऐसा ही क्या है, 2 0 से 2 0 ये निकल गया कितना 600, ऐसा ही निकलेगा 600, 8 वर्ष का ऐसा ही 600, 8 वर्ष का ऐसा ही 600 और मूलधन था 1500। अपन को तो ये अमाउंट निकालना था, अमाउंट क्या होता है 1500 प्लस 600 कितना हो जाएगा भाई साहब 2100 हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अपन इजी वे से कैसे कर सकते थे, इजी वे से मैंने कैसे किया था समझ में आ गया, इजी वे से कैसे किया था, इधर देखो इजी वे से करना है अपन को इस तरह से, देखो ये 5% और 6 वर्ष में तो 30% बढ़ गया ना, ये 100% मैंने दिया, मैं समझ लिया 100% दिया, मुझे पता नहीं है कितना दिया लेकिन 100% दिया मैंने, तो 100% दिया तो 30% बढ़ गया तो कितना गया 130%, और ये 130% किसके बराबर है 1950, ठीक है। मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, 1% किसके बराबर हो जाएगा आप कहेंगे, तो 1% हो जाएगा 1950 बटे 130, ठीक है, इससे काट दो, 1% 19 से पढ़ाता है 13 से कट जाएगा 15 बार, 1% 15 के बराबर है, ठीक है। लेकिन आपको बताना क्या है, ये 8 वर्ष में बताना है, तो भैया 5 की दर से 8 वर्ष में कितना परसेंट बढ़ जाएगा 40%, अब 40% इसमें बढ़ जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा 140%, 140 इंटू 15 कर दो, क्लियर है, 140 इंटू 15 कर दो, 100% में 40% बढ़ जाएगा तो 140% हो जाएगा। अब 140% आपको पता नहीं है लेकिन 15% पता है, 1% की वैल्यू पता है 15 होती है, 15 है तो ये कितना हो जाएगा, बड़ा करेंगे तो 15 चौक 60 की 0 ये 0 और 15 और 15 और 6 21 ये हो जाएगा 21, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दिया था कि 130% पता नहीं है, 140% पता करना है, और 140% पता करना है तो ये दिखाया 950, ये दिखाया x, x का इधर करना है परसेंट से परसेंट करना है 0 से 0 बटे, ठीक है, x निकालना है 1950 बटे 13, यहां पर ये लात मार के भगा देंगे, ये 14 को ऊपर कर देंगे, काटा पीटी गई x बराबर 21 सीधे निकल गया, समझ में आ गया। एनर्जी चाहिए भैया, एनर्जी चाहिए आपको बैठने में, मुझे बैठाने में बहुत एनर्जी लगती है ना। चलिए तो कल मिले, बताइए क्या कहते हो आप लोग, क्या कहते हो मेरे भाई, मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं आपको, है ना, एक और क्वेश्चन देवेश, चलिए सभी भाई एबी व्हाट्सएप स्टेटस के रूप में लगाएं, ठीक है, स्टेटस के रूप में उपयोग करें ग्रेट एनर्जी के साथ। देखो 1.5 घंटे प्लस की वीडियो हो गई है भाई साहब, 1.5 घंटे प्लस की वीडियो हो गई है, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, 7% वार्षिक ब्याज की दर से हर एक तरीका एक ही तरीके से करेंगे, हर एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से करेंगे, ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है 3 वर्ष में 1210 हो जाता है, तो कितने वर्ष में 1350 रुपये हो जाएगा, 50 हो जाएगा, वर्ष पूछा भाई साहब, वर्ष पूछा है आपसे, चलिए बताइएगा, बड़ा इजी कंसेप्ट है, जी सा तरीका है, छोटा सा तरीका है, पर आपका आंसर अब तक आ जाना चाहिए, आंसर अब तक आ जाना चाहिए, है ना। 2.5 घंटे की वीडियो हुई है, गुरुजी जय हो, शिव शक्ति अकेडमी शिवपुरी, चलिए शिव शक्ति अकेडमी शिवपुरी, जय हिंद सभी भाइयों को, हजरत भाई
देखने के लिए सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद सभी का। कोशिश करेंगे कल से जीएस की क्लास होगी आपके लिए, है ना। साइंस मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है। चलिए फिजिक्स आपको सर भी पढ़ाएंगे ना, सर पूरा कंप्लीट जीएस पढ़ाएंगे। टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन देने का भी नहीं है और लेने का भी नहीं है ना, बिना टेंशन फ्री होकर पढ़ना है, ठीक है। अगर कुछ भाई शादी के लिए पढ़ रहे हैं ना तो फेसियल पे खर्चा करें, फेसियल पे खर्चा करें ना। पांच बिल्कुल आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, बहुत सी तरीके से जा सकते हैं, जय शिव शक्ति अकेडमी। हाँ जी चलिए बताइए करिए। लोग सर आपको पढ़ाएंगे जीएस, है ना। बताइए क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, क्या आपको आ रहा है तरीका। भाई साहब कुछ नहीं है, ये 7% 3 वर्ष तो मैंने देखा 21% बढ़ा है, क्योंकि 7% की दर से 3% 3 वर्ष में ये यही तो होता है ब्याज। ब्याज बराबर क्या होता है, आर इंटू टी, मैंने बताया तो अभी भाई साहब, ब्याज बराबर आर इंटू टी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ये खुद के डेवलप किए हुए तरीके है ना, खुद के डेवलप किए हुए तरीके हैं। आप यकीन मानिए 5 साल आगे चले जाएंगे आप, किसी 7% की दर से 3 वर्ष में मैं देखूंगा 21% बढ़ता है। अगर मैं तो 100% ही मानता हूँ भाई साहब, 100% मानता हूँ ना मूलधन को, मूलधन को 100% मानूंगा तो 21% बढ़ जाएगा, यानी 121% हो जाएगा, हो जाएगा तो नहीं होगा, ठीक है। और 121% किसके बराबर दिया, 1210 के, और निकालना क्या है, हो जाएगा तो कितने वर्षों में भैया, कितने समय, समय निकालना है आपको, ठीक है, कितने समय में, 1350 हो जाएगा, 1350 यहां से निकाल लो, यहां से निकालेंगे तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू, ठीक है, 121%, ये देखो 121% बराबर इतना, 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 10। मैं तो मूलधन 100% माना था तो 100% कितना हो जाएगा, आप कहेंगे से 100 का गुणा कर दो 1000, ठीक है, इतने से इतना ब्याज मिल गया, यानी 210 ब्याज मिला, ठीक है। यानी यहां से देख सकते हो, यहां से देख सकते हो ये 21, ठीक है, ये 21% बराबर 210, यानी यहां से निकाल सकते हो कितना ब्याज चाहिए अपन को, ये चाहिए 13350, 300 ब्याज चाहिए 7% की तरह से, कितने वर्ष में, एन वर्ष में या टी वर्ष में, ठीक है, टी बराबर निकालना है तो 350 बटे 7, 7 से काट देंगे कितने वर्ष हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप करने के लिए बहुत से तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, कल की क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताना, मैं सेंड करूंगा। हाँ भाई साहब ये चलने का भैया है ना, व्हाट्सएप नंबर, चलिए तो भाई साहब ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हो, इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी 9584937624, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें जुड़ जाइए, पीडीएफ इसमें मिलती रहेगी। आप पढ़ने के इच्छुक हो तो भाई साहब बिल्कुल पेपर निकालेंगे। ओहो चलिए, हाँ ये पर्सनल ही है, ठीक है, गेहूं की। हाँ बेटा गेहूं तो अपन को जरूरी है ना, खाना भी तो गेहूं है भाई साहब, गेहूं खाना है, ठीक है। जय जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय किसान, ठीक है, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, गेहूं तो जरूरी है भाई साहब। मैं किसानों को फेवर करता हूँ, किसान भाई कितने दिनों से, 2-3 महीने से दिल्ली में डले हैं और सरकार कुछ सुन नहीं रही है, बहरी सरकार भाई साहब, क्या करें। बीजेपी को कोई भक्त है बीजेपी का तो मुझे माफ करना भाई साहब, डिसलाइक करके चले जाना, और कुछ नहीं कर सकते तुम इससे ज्यादा, है ना। चमचागिरी मत करो, है ना, मोदी जी मैंने भी मोदी मोदी कहा था और वोट दिलाया था मोदी को, है ना, क्या हुआ मोदी का, मोदी जी किसानों की नहीं सुन रहे हैं, बच्चों की नहीं सुन रहे हैं, बेरोजगारी पे कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, जय हिंद जय भारत, सभी का धन्यवाद दिल से, चलिए जय किसान जय जवान।